बस्मकूम मैं हूँ जवरवान और आप देख रहे हैं जवरवान टी वी और आज डो फोटोशॉप सेवन की पहली हमारी क्लास है इस टटोरियल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फोटोशॉप में काम हो सकता है तो सबसे पहले जैसे ही आप डोफोटो फोटोशॉप सेवन ओपन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस है इस तरह का आपके सामने जाहिर होता है तो इसके जो टॉप पर आप देखते हैं यहाँ पे आपको मेन्यू बार नज़र आता है और इसके बिल्कुल नीचे जो है ऑप्शन बार आप इसको बोलते हैं ये ऑप्शन बार आपको नज़र आता है और इसके यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे आप देखते हैं कि हमारा टूल बॉक्स है और इसके अलावा आप जब राइट साइड पर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पैलेट्स नज़र आते हैं और यहाँ पर लेयर्स और मुख्तलि कलर्स जो हम हमने अपने ऑब्जेक्ट में यूज़ करने होते हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलते हैं तो अब सबसे पहले हम ये मैं आपको एक बात बता दूं कि बज दफ़ा ये भी होता है कि जैसे ही आप अपना एडोफ शॉप ओपन करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें मिस होती हैं जैसे कि टूल्स आपको नहीं मिल रहे ऑप्शन यहाँ से गायब हैं और इसके अलावा आपके कलर्स नहीं हैं और इस तरह लेयर्स और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो स्वाए मेन्यू के तो अब इसमें ये होता है कि आप विंडो पर जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आप जब टूल्स पर क्लिक करते हैं तो आपका जो टूल बॉक्स ओपन हो जाता है इसी तरह से आपको मजीद चाहिए होते हैं ऑप्शन उस पर आप क्लिक कर लेते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको लेयर्स पे काम करना होता है तो वो आप उसे भी ले आते हैं और इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो कुछ स्टाइल्स वगैरह चाहिए हैं। तो वो भी आप ले आ सकते हैं तो ये तो कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो आपको मैंने बताई हैं आज हम इसमें कुछ इसके जो पहले जो टूल हैं टूल बॉक्स में जो मूव टूल है इसे भी हम इस्तेमाल करके देखेंगे और उसके साथ जो जो टूल्स हैं मार्कवी टूल उस को भी हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से इसमें काम होता है तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं न्यू फाइल जब भी आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे आप ये देखें कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसकी विड़थ आपको नज़र आ रही है जो कि है जितनी भी है और उसके बाद आप इसकी जो है हाइट वो भी लेते हैं तो यहाँ पे पिक्सल्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से आप इसको इंचज़ में ले सकते हैं सेंटीमीटर में ले सकते हैं लेकिन इंचेज़ और सेंटीमीटर आप उस वक्त लेंगे जब आपने कोई चीज़ प्रिंटिंग प्रेस से बाद में जब आपकी जो फ़ाइनल शेप जो आप जो बना लेंगे अपना बैनर वग़ैरह तो वो जब फाइनल शेप आप प्रिंटिंग प्रेस से आप निकालना चाहते हैं तो आपको जितने सेंटीमीटर चाहिए होता है तो वो उतना आप यहाँ पे आप इंचेस चाहिए होते हैं तो उस हिसाब से आप ने यहाँ से सिलेक्शन करनी है तो अगर आपने वेबसाइट के लिए कोई ऑब्जेक्ट तैयार करना है कोई पिक्चर तैयार करनी है जो आपने वेबसाइट पर फेसबुक पर अपलोड करनी है या यूट्यूब पर लगानी है कोई तो थम बना रहे हैं तो उसके लिए आपने पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है तो जैसे ही आपने पिक्सल को सिलेक्ट किया तो ओके करेंगे तो ये पिक्सल्स के जो ऑब्जेक्ट है ये न्यू हमारे सामने ओपन हो चुका है अब हम ऐसा करते हैं कि नई फाइल में हम जाते हैं तो एक फ़ोटो हम यहाँ पे ले आते हैं तो जैसे ही हम फोटो लेके आते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इस फोटो को हम ड्रैग करके इस पर ले आएँ तो जैसे हम इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो आप ये देखें कि ये प्लस का निशान आपको नज़र आता है तो प्लस का निशान जब नज़र आएगा तो इसका मतलब तो ये है कि हम इसको ड्रैग करके नहीं ले जा सकते तो उसका फिर तरीके कार ये होगा कि हम मूव के टूल पर जाएंगे और जैसे ही हम मूव के टूल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो भी उसकी शेप भी चेंज हो गई आपने देखा कि कर्सर की जो साथ है जो मूव की शेप है मूव टूल की वो भी बनती हुई आप आपको नजर आ रही है तो अब यहाँ पे आप फोटो पे ले जाएंगे और यहाँ से आप ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाएंगे तो जैसे ही आपने ड्रैग करके ऊपर ले गए तो आप के जो जो नई ऑब्जेक्ट आपने ड्रा किया था उस पर आप अपनी फोटो यहाँ से ले गए हैं लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखें राइट right साइड पे जो हमारी लेयर्स हैं उसमें एक लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एक तो बैकग्राउंड की लेयर है जो खाली है जो ब्लैंक हमने ली थी उसके ऊपर हमने जो एक नई फोटो लाई है तो वो एक नई लेयर में यहाँ आ मौजूद हुई है तो इस तरह से ये काम होता है इसमें तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम इस लेर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट right क्लिक करते हैं तो लेयर हमारी यहाँ से डिलीट हो जाती है तो हमसे ये पूछता है डिलीट कर दें तो हमने लेयर डिलीट कर दिया अब हम ऐसा करते हैं कि दोबारा इसको ड्रैक करके यहाँ पर ले जाते हैं तो अब आपने ये देखा कि इस तरह से हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके ले आए हैं अब हम यहाँ पे जो हमारा मार्कवी ट्यूल है इसको हम इस्तेमाल करके देखेंगे मार्केट टूल में हमारा रेक्टेंगुलर मार्केट टूल सबसे टॉप पर है तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यही सेलेक्ट किया हुआ है तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ को आपको प्लस का निशान नजर आता है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन लेंगे तो जैसे ही आपने यहाँ पर सिलेक्शन ली तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर इसने सिलेक्शन ले लिया और जब आपने इसको छोड़ दिया तो वहाँ तक का एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया है लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि हम टॉप पर आते हैं और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं ऑप्शन हैं आपके पास आप पे न्यू सिलेक्शन भी ले सकते हैं ऐड टू सिलेक्शन ले सकते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ले सकते हैं और इस तरह से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन भी ले सकते हैं तो अगर आपने न्यू सिलेक्शन पर आपने क्लिक किया है तो अगर आपने एक बार सिलेक्शन ली है तो दोबारा अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती वो एक ही बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपने कंट्रोल डी किया अगर आप सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अपने की से कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी अब दोबारा हम सिलेक्शन लेते हैं तो अब क्या होता है कि इसको हम सिलेक्शन यहाँ पे ले ली अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस सिलेक्शन में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहता हूँ तो उसके लिए ये होगा कि मैं यहाँ पे जो आ आगे जो ऑप्शन होता है ऐड टू तो सिलेक्शन इस पर क्लिक करूँगा जैसे ये सिलेक्ट मैंने किया तो अब अगर फर्ज़ करो कि मैं यहाँ पर सिलेक्शन लेता हूँ तो मेरी सिलेक्शन यहाँ से बढ़ जाएगी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपने ये देखा कि जो सिलेक्शन में सिलेक्ट करता जा रहा हूँ वो मेरी सिलेक्शन बढ़ती जा रही है अब फर्ज़ करें कि मैं इस मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं इस सिलेक्शन में से कुछ हिस्से को सबसेट कर लूँ वहाँ से निकाल दूँ विस्सा मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो उसके लिए ये तरीक़ार होगा कि मैं यहाँ पे जो uh, सबसे फ्रॉम सिलेक्शन का जो uh, आइकन है इस पर क्लिक करूँगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें कि मैं इस एरिए को सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो आप ये देखें जैसे जैसे मैं इसको uh, सेलेक्ट करता जा रहा हूँ तो वो एरिया मेरा रिमूव होता जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हिस्सा जो मैं सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा वो सिलेक्ट नहीं होता तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की जो सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं वो ले पाते हैं तो इसके साथ आप ये देखें आखिर में एक आपको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन आपको लिखा हुआ नज़र आता है है. तो इसका मतलब ये होता है कि जो हिस्सा सिलेक्टेड है उसमें से भी अगर आपको सिर्फ कोई खास हिस्सा करना चाह रहे हैं और बाकी सारी सिलेक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करते हैं जैसे कि मैं आपको यहां करके दिखाता हूं यहां पर मैंने क्लिक लिया तो आप ये देखें कि सिर्फ यही सिलेक्शन का एरिया बच जाएगा बाकी सारी रिमूव हो जाएगी तो आपने देखा कि सिर्फ एक हिस्सा जो है वो सिलेक्शन का बच गया बाकी सारा रिमूव हो गया तो मैं ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल डी पे क्लिक करता हूँ और ये सिलेक्शन भी रिमूव कर देता हूँ तो अब मैं इसकी नई सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि मैं यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैंने रेक्टिकुलर शेप में इस तरह की सिलेक्शन ले ली है और उसके बाद अगर मैं यहाँ से मूव कराना चाहूँ तो ऐसे मूव नहीं होगा यहाँ पे पहले मुझे मूव के टूल पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा जो है यहाँ से मैं इसको आसानी के साथ मूव करके ले जा सकता हूँ वहाँ पे। आ, अब ये तो हो गया रेक्टेंगुलर शेप में आपने किस तरह से काम किया अब अगर हम दोबारा बात करें एलिप्टिकल टूल की कि बेजवी शक्ल में अगर हम आ, कोई सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से हम लेंगे तो हम इसी आ, को ही ले लेते हैं कंट्रोल डी में करता हूँ तो ये पहली सिलेक्शन मेरी ख़त्म हो गई है अब अगर फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ से आ, इस शेप में जो सिर्फ इसका जो चेहरा है वो ले जाना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरह से ले पाऊँगा तो यहाँ पे फिर मैं मूव के टूर पर क्लिक करूँगा उसके बाद इसको मैं ड्रैग करके ले जाऊँगा तो आपने देखा यहाँ पर मैं ड्रैग करके ले आया हूँ अगर फ़र्ज़ करें कि जो पहली जो मेरी लेयर है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है आप ये देखें कि ये जो लेयर वन है वो अगर मैं फ़र्ज़ करूँ हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस आई पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी जो पहली लेयर है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है तो इस तरह से हम अपनी लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं लेयर्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं तो इस तरह आपने ये देखा कि मैंने इस टूल में आपको काम करके दिखाया कि किस तरह से हम इसकी सिलेक्शन लेते हैं इसमें हमने इस ट्यूटोरियल में हमने ये देखा मूव के टूल को भी हमने करके देखा मूव का टूल जो है उस उसको भी हमने इस्तेमाल किया उसके साथ हमने जो मार्क टूल में जो टॉप के जो दो टूल हैं जिसमें रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल और लिप्टिकल मार्किंग टूल इन दोनों का इस्तेमाल हमने करके देखा बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगल रो मार्क टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और सिंगल कॉलम मार्किंग टूल का इस्तेमाल किस तरह से होता है बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का बिसमिलकूल मैं हूँ ज़ावान और आज हम लेसो टूल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे ही आप अपने टूल बॉक्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लेसो टूल के फर्दर तीन आपको इसकी कैटेगरीज नज़र आती हैं जिसमें सबसे ऊपर सिंपल जो लेसो टूल है लेसो टूल के नाम से है यह होता है उसके नीचे पोलीगोनल लेसो टूल है और मैग्नेटिक लेसो टूल है पोलीगोनल कहते हैं कसर उजल चीज़ को और उसके बाद मैग्नेटिक जैसे के नाम से जाहिर है कि इसमें मैगनीट होता है जो खुद ब खुद ही आपकी जो सिलेक्शन है वो आसानी के साथ ले पाता है तो अब हम सबसे पहले हम लेसो जो सिंपल टूल है इसको हम लेने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक न्यू ऑब्जेक्ट जो ब्लैंक है वो हम ड्रा कर लेते हैं उसके बाद हम फाइल में जाते हैं तो फाइल में जाते साथ ही हम यहाँ से कोई फ़ोटो यहाँ से हम ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें उसको हम लेसो टूल की मदद से हम किस तरह से उसमें काम करते हैं तो लेसो का जो सिंपल टूल है उसको जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आपके जो माउस का जो कर्सर है उसकी भी शेप चेंज हो जाती है तो अब आप मैं जल्दी में ले रहा हूँ और आपने बड़े ध्यान से लेना है और उसके साथ साथ आपने ये काम करना है कि आपने ध्यान से सिलेक्शन लेनी है ताकि आपकी जो शेप है वो ख़राब ना हो तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा मैंने इसे छोड़ा तो आपने देखा कि इसकी सिलेक्शन हो चुकी है तो अब मैं मूव के टूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ड्रैक करके यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में ले आता हूँ तो आपने ये देखा कि सिंपल जो लेसो टूल है वो उसका जो है वो किसकी मदद से जिस तरह मैंने उसकी सिलेक्शन ली उस टूल की मदद से और फिर मैं ड्रैग करके आगे ले आया हूँ तो ये तो था सिंपल लेसो टूल अब हम आगे दूसरे जो टूल है उसमें हम काम करते हैं जिसका नाम है पॉलीगोनल um, लेसो टूल तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर देखा कि इसकी सिलेक्शन कि इसकी जो शेप है वो भी आपको नजर आ रही है तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये आमतौर पर जब सिलेक्शन करता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सिलेक्शन करता है जैसे कि हमारे पास कोई टेबल वगैरह होता है तो आप ये देखें टेबल हमारे पास ड्रा हो चुका है हमारे पास आ गया है तो इस टेबल की हम सिलेक्शन करेंगे तो उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक ब्लैंक भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाए ताकि हम उसमें काम भी कर सकें तो अब हम इसकी हम सिलेक्शन करते हैं यहाँ से पोलीगोनल टूल हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब आप ये देखें कि जैसे ही मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको तो जैसे ही आप मैं देखें कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये स्ट्रेट सीधी लाइन में सेलेक्ट करता है जहाँ पर मैं छोड़ता हूँ वहाँ तक सीधी लाइन में जाता है और उसके बाद ये वहाँ से आगे ख़त्म हो जाता है काम और जहाँ पर मैं छोड़ूंगा वहाँ तक स्ट्रेट सीधी लाइन चलेगी और उसके बाद आप ये देख सकते हैं आप ये देखें जहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ वहाँ तक एक सीधी लाइन जा रही है सिलेक्शन हमारी करती है और उस तरह से हम, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं ये कसीरुल अजला टूल इसको आप उर्दू या हिंदी में कह सकते हैं और इसको जो है वो हम कैसे करते हैं अब जब इसके अनिशियल पॉइंट पर आके छोड़ते हैं अब कि जैसे मैंने इंटर किया तो अब उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये सिलेक्ट हो चुका है अब मैं मूव के टूल पर क्लिक करता हूँ तो मूव के टूल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ तो आ, मैंने ज़रा जल्दी में कर दिया आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से ड्रा हो सके तो अब जब आपकी सिलेक्शन मुकम्मल होती है उसके बाद आपने की बोर्ड से इंटर को प्रेस करते हैं तो ये आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आप इसको जहाँ जहाँ ड्रा करके ले जा सकते हैं और उसके बाद हम आते हैं हमारा जो तीसरे नंबर पर टूल आता है वो होता है मैग्नेटिक लेसो टूल तो इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कोई फ़ोटो भी और ले आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी पिक्चर ले आएँ जिसमें हम इसको अप्लाई करके देख सकें तो अब ये देखें कि हमारे पास कौन सी ऐसी फ़ोटो हो जिसको हम जिसके पास हम इसको मैग्नेटिक के तौर पर हम अप्लाई करें तो ये देख लेते हैं हम इस फ़ोटो को हम ले आते हैं ठीक है अब ये हमारे पास एक ड्रा हो चुकी है और अब हम न्यू लेते हैं एक एक नई फाइल भी हमने ले ली है जिस पे हम इसको सिलेक्ट करके बाद में वहाँ पे हम ले जाएंगे तो अब हम मैग्नेटिक को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ये देखें कि जैसे ही आप मैग्नेटिक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी सिलेक्शन लेता जा रहा है तो जैसे ही आप इसकी सिलेक्शन को आप यहाँ पर लेते हैं तो आप ये देखा कि ये हमें आपको ज़्यादा तदद नहीं करना पड़ा एक तरह के जितने पिक्सल्स होते हैं वो उसको ये ऑटोमेटिकली ले लेता है तो आपने देखा कि इसने थोड़ी सी जल्दी की है यहाँ पे आप इसको ऐसा करते हैं कि मूव के टूल पर ले जाके तो इसको आगे इस तरह भी ले जा सकते हैं ये एक तरीका होता है और इसके अलावा अगर हम ऐसा करें कि इसका एक दूसरा तरीका भी करते हैं फ़र्ज़ करें कि मैं इसको इस शेप को हटा देता हूँ यहाँ से एक तरीका तो ये है मैं दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ कि हम फर्ज़ करें कि कोई दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से बस करें इसी फ़ोटो को ही हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक का जो टूल है हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि नई ब्लैंक फाइल भी हम ले लेते हैं और यहाँ से मैग्नेटिक का जो टूल है वो सिलेक्टेड है हमारा तो अब यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ काम को और जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो आप ये देखें कि ये सिलेक्शन लेता जा रहा है जैसे ही आप सिलेक्शन ले लेते हैं इसकी तो अब आप उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे आके आपने छोड़ना है और इंटर को प्रेस करना है जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो होता यह है कि ये अपनी सिलेक्शन ले लेता है अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट में जाते हैं और इनवर्स पे क्लिक करते हैं जैसे ही आपने इनवर्स पे क्लिक किया तो हुआ यह है कि आपकी जो इसने जो हमारा एरिया सेलेक्टेड था उसे छोड़ के तो जो बैक वाला एरिया था उसको इसने सेलेक्ट कर लिया मैं यहाँ से मैं अपने की से डिलीट को प्रेस करता हूँ जैसे मैंने डिलीट को प्रेस किया तो आप ये देखें कि इसने जो बाकी का जितना एरिया था वो सारे का सारा यहाँ से डिलीट कर दिया है है तो अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकता हूँ तो आपने ये देखा कि इसका ये तरीका भी होता है कि आप इन्वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो बैक वाले जो एरिया है जो जो हमने सेलेक्ट नहीं किया था वो सिलेक्ट हो जाता है तो वो उसकी उसको हम जब डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है तो आज हमने इस जो लेसो टूल है उसके तीनों टूल्स में काम करके देखा है जिसमें लेसो टूल सिंपल जो लेसो टूल है वो उसमें हमने काम करके देखा उसके बाद पोलिकोनर लेसो टूल है और मैग्नेटिक लेसो टूल है बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का अगली वीडियो में हम जो है वो अगले टूल पर हम काम करेंगे बहुत शुक्रिया से हमारा जो है सिंगल रो मार्केट टूल में किस तरह से काम होता है और सिंगल कॉलम मार्केट टूल में किस तरह से काम होता है तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कोई हम पिक्चर ले आते हैं अपने पास तो उसे हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं जैसे ही आप इसको ड्रा करते हैं तो इसके साथ हम कोशिश करते हैं कि एक हमारे पास एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ जाए ताकि हम उसमें कोई काम कर सकें तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि रेक्टेंगुलर टूल की मदद से हम इसकी कोई सिलेक्शन ले लेते हैं और इसको हम इसका एक हिस्सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब मूव के टूल की मदद से हम इसको उठा के अपने जो न्यू ऑब्जेक्ट है उस पर हम ले जाते हैं अब होता यह है कि जैसे हम इस इसकी सिलेक्शन अब कंट्रोल डी की मदद से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ तो अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि सिंगल रो मार्क टूल का मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक क्लिक करता हूँ फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखें कि सिंगल सिलेक्शन मेरी हो गई है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने से ये होगा कि मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप ये देखें कि इस को हमें ड्रैग करके ऊपर ले जा सकता हूँ यहाँ पे। जब ये यह यहाँ पहुँचता है डबल आर शो हो रहा है यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड से याद रखना है आपने के आपने अपने प्रेस करना है जैसे आप प्रेस करते हैं तो ये आपको इस तरह की सिलेक्शन नजर आती है अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फ्री ट्रांसफार्म पे क्लिक कर देंगे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी पहली वाली जो शेप है वो दोबारा से आपके सामने जाहिर हो गई है अब इसको ड्रैग करके आप नीचे लाएंगे तो अब जब नीचे पहुँचते हैं तो उसके बाद इस तरह के आप शक्ल आपको नजर आने लगती है यहाँ से आप ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाते हैं तो होता यह है कि अब यहाँ पर आप इस तरह से अपने ड्रैग करके ले आए हैं अब ये सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई है बस आपने मूव के टूर पर क्लिक करना है और मूव के टूल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं तो आपने ये देखा कि किस तरह से आपने एक शेप नीचे लाई है और यहाँ पे ये यह ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीचे पानी पानी है और ये उस पानी में ये सारा कुछ आपको तो इसके जो शेप है वो उल्टी से में नज़र आ रही है तो इस तरह से आप इसको इसमें काम करते हैं आपने काम करके देखा है कि यहाँ पे सिंगल रो मार्केट टूल में हमने काम करके देखा है अब आप इसे चाहें तो आप सेव कर सकते हैं मैं इसे सेव नहीं करता और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम आ, दूसरा जो हमारे पास है आ, सिंगल कॉलम मार्किंग टूल उसमें हम काम करके देखते हैं तो उसके लिए हम फाइल ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ से फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई आ, ऐसी फ़ोटो हो जिसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ये मेरे पास एक पिक्चर है ये मैं ले आया हूँ तो अब ये होता है कि बज़ दफ़ा आपने ये ता देना होता है कि आपके जो कोई आईने के सामने आप खड़े हैं तो आईने में जो जिस तरह से शेप उल्ट होकर नज़र आती है तो उस तरह से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं इसका इस टूल की मदद से तो ये है आपका सिंगल कॉलम मार्किंग टूल तो इसक, इसको आपने जब सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये प्लस का निशान है जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप ये देखें कि ये सिलेक्शन आपको सिंगल रो की सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है और एक साथ प्लस का निशान नज़र आ रहा है इस पर आप मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपने करना जाना है ट्रांसफार्म सिलेक्शन पर तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि इसकी यहाँ पे ये जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको डबल एरो नज़र आता है तो इसको मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ एंड तक जहाँ तक मुझे ले जाना है तो यहाँ पर ले गया उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से से प्रेस करूँगा ये आपने याद रखना है जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको इस तरह की सिलेक्शन नज़र आएगी अब दोबारा यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो फ्री ट्रांसफ़ार्म पे मैं क्लिक करूँगा जैसे मैंने फ्री ट्रांसफार्म पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये अपनी पहली वाली पोजीशन में चला गया अब इस इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ एंड तक यहाँ पर ये देखें यहाँ तक आ गया अब यहाँ से मैं इसको दोबारा खींच के इधर ले आता हूँ तो अब आप ये देखें कि इसकी जो वो शेप है वो आ, वो चेंज हो चुकी है तो अब फर्ज़ करें कि मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ अब अगर मैं इसको एक नए ऑब्जेक्ट पे ले जाना चाहता हूँ तो आप ये देखें कि मूव के टूल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ला सकता हूँ इसकी शेप जो है वो मैं छोटी बड़ी भी कर सकता हूँ इसका साइज़ छोटा या बड़ा किया जा सकता है वो इशू नहीं है और आप ये देखें कि इसको मैं यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया तो अब दोबारा क्या होता है कि मैं इसी फ़ोटो को दोबारा लेके आता हूँ तो आप ये देखें कि इसको जब मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये आमने सामने एक दूसरे के नज़र आ रहे हैं तो इस तरह से आप अपनी जो फोटोज़ हैं उनको आप ड्रैग करके ले जा सकते हैं तो इस तरह से हमने इसके जो दूसरा टूल है उसमें भी हमने काम ने करके देखा है कि किस तरह से काम होता है कि एक सिंगल रो मार्किट टूल का इस्तेमाल हमने करके देखा और सिंगल कॉलम मार्किट टूल का इस्तेमाल हमने करके देखा है तो अब फर्दर हम अपने अगले ट्यूटोरियल में हम अगले जो टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल हम करके देखेंगे बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का बस्म्स मैं हूँ ऊान और आज हम एडो फोटोशॉप में जानने की कोशिश करेंगे मैजिक वन टूल के बारे में मैजिक वैन टूल इसका अगर हम उर्दू या हिंदी में तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है जादू की छड़ी तो ये सचमुच में जादू की छड़ी है और इसकी मदद मतलब से आप जो सिलेक्शन करते हैं वो बड़ी हैरानकन होती है और आप बहुत थोड़े वक्त में बहुत अच्छी सिलेक्शन कर पाते हैं तो आज हम इसको इसमें काम करके देखेंगे कि इसमें किस तरह से काम होता है और ये सिलेक्शन कैसे इससे होती है तो सबसे पहले मैं एक सिंपल न्यू फाइल ले लेता हूं यहां पे ताकि जब हम ड्रैग करके लाएं तो इसमें हम काम कर सकें तो उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि फ़ाइल ब्राउज़ करते हैं और मैं यहाँ पर सिंपल जो रेड बैकग्राउंड है उसको इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे मैजिक वैन टूल को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पर इसने फ़ॉर का सारे का सारा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर ये देखें इसकी टॉलरेंस जो है वो थर्टी मैंने रखी है अगर मैं इसकी टॉलरेंस कम कर देता हूँ तो ये सिलेक्शन कम करेगा और अगर बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो फिर ये गैर जरूरी भी कर लेगा आपने बारह टॉलरेंस पर रहना है कि, देना है कि अगर ये सिलेक्शन ज्यादा कर रहा हो गैर जरूरी गुरी की भी सिलेक्शन कर रहा हो तो आपने टॉलरेंस कम कर देनी है तो अब इस में आमतौर पर थर्टी के, के करीब अगर आप टॉलरेंस रखते हैं तो आपकी सिलेक्शन बेहतर होती है तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि इसने एक ही क्लिक से सारी सिलेक्शन कर ली और इसका ये फायदा होता है मैजिक वैन टूल का कि ये अपने एक तरह के जो पिक्सल्स होते हैं उनको एक एक ही क्लिक से सेलेक्ट कर लेता है तो यहाँ पे चूंकि सारा रेड बैकग्राउंड था और सारे पिक्सल्स एक ही तरह के थे तो उसे एक ही क्लिक उसने ये सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए अब इस वक्त हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है वो है यहां से लेकर ये जो इसकी हैं वो सिलेक्टेड एरिया है जो हमारे पास ये फोटो है, ये फ़ोटो है है सिलेक्टेड नहीं तो अब हमने चूंकि हमें तो चाहिए फोटो है और ये एरिया तो हमें चाहिए नहीं है तो हम ये क्या, करें? तो क्या करेंगे इस बैकग्राउंड को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे कि सिलेक्ट पर चले जाएंगे और सिलेक्ट पर जब हम इसके जो इन्वर्स पर हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब जो होता है कि इसका जो उल्ट हिस्सा है वो सिलेक्ट कर ले तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा कि इसका जो रेड की जो सिलेक्शन थी ये बाउंड बाउंड्रीज़ वो सिलेक्शन ख़त्म हो गई और उसने सिर्फ इस फोटो की सिलेक्शन छोड़ दी अब मैं मूव के टूल पर क्लिक करता हूँ तो इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ इस प्रोजेक्ट में तो आपने देखा कि इसका बड़ी आसानी के साथ इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है और मैजिक वैंड टूल ने कमाल कर दिखाया है अब मैं एक ऐसी पिक्चर लेके आता हूँ जिसका जो थोड़ी सी कंप्लीकेटेड हो ताकि हमें वो सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फ़ेस आए ताकि हम इस मैजिक पैन टूल को हम सीख भी सकें तो सबसे पहले मैं इस मामूल ऐसा करता हूँ कि एक न्यू ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और उसके अलावा फिर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई ऐसी फ़ोटो ले लेता हूँ जिससे ताकि हम मुझे आसानी हो कि मैं उसमें ताकि थोड़ी सी कम्प्लिकेटेड हो होनी चाहिए ताकि जिसमें आपको थोड़ी सी सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम आए मैं इस तरह की फ़ोटो लेना चाहता हूँ और आप ये देखें कि किस तरह से हम ऐसी कोई फ़ोटो ले सकते हैं फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक फ़ोटो आ गई है और इसमें थोड़ी सी कम्प्लिकेशन है कि आप ये देखें कि बिल्कुल एक तरह के पिक्सल्स नहीं हैं थोड़े थोड़े चेंज भी हैं तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैजिक बैंड टूल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ तो आप ये देखें कि जब इसने सिलेक्शन की है तो एक क्लिक से इसने यहाँ पर कर लिया फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन खत्म करता हूँ और कंट्रोल डी का अगर आप करें तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है मैं इस मैजिक पैन टूल की जो टॉलरेंस है वो ज़रा कम करके दिखाता हूँ आपको अगर फिर टेन आप रखते हैं तो फिर आप सिलेक्शन करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी होती है और यहाँ भी आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने एड टू तो सिलेक्शन पर क्लिक करना है तो आप ये देखें कि अगर आपने टॉलरेंस कम रखी है तो ये सिलेक्ट जो है ना वो थोड़ा ऐसा करता है तो अगर हम इसकी टॉलरेंस बढ़ा देते हैं यहाँ से थर्टी कर देते हैं तो थर्टी का ये फ़ायदा होता है कि आप सिलेक्शन आपकी ज़्यादा आसानी से होती है यहाँ दूसरा आपने ध्यान ये भी देना है कि यहाँ पे आपने ऐड टू तो सिलेक्शन पे क्लिक करना है ताकि आपकी सिलेक्शन ज़्यादा आसानी के साथ हो तो अब फ़र्ज़ करें कि ये इसने सिलेक्शन ले ली है और यहाँ पर हम सारी सिलेक्शन ले लेते हैं ऐड टू सिलेक्शन की वजह से ये होता है कि हम ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं लेकिन एक गलती ये हो गई है कि हमारे इसके जो बाल हैं वो थोड़े से ज़्यादा सेलेक्ट हो गए हैं तो उसका हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट फ्राम सलेक्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपकी देख लें आ, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर जब हम आके क्लिक करेंगे तो ये जो वो एरिया जो हम नहीं चाहते कि वो सिलेक्ट हो तो वो उसने वहाँ से सबसे कर दिया मतलब ये कि उसने उसको निकाल दिया है तो अब होता ये है कि अब जब ये सिलेक्शन हो जा जाती है तो इसका मतलब यह है कि यह साइड का एरिया जो है वो सिलेक्ट हो चुका है और ये जो आ, खातून की तस्वीर है ये सिलेक्ट नहीं हुई तो इसका फिर ये तरीका हम करते हैं कि सिलेक्ट पर जाते हैं और फिर यहाँ पर इन्वर्स पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे अब हम इन्वर्स पर क्लिक करते हैं तो अब यह है कि ये जो फ़ोटो है ये सिलेक्ट हो चुकी है और बाकी एरिया सिलेक्ट नहीं है तो इसको हम ड्रैग करके ले आते हैं इधर तो इस तरह से हम अपने पास यहाँ पे ला ले आते हैं इसको तो अब होता ही है कि इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि जो कमी बेशी होती है वह हम अपने रेज़र टूल की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं जैसे कि हमारा जो रेज़र का टूल है इसकी मदद मतलब से हम इसमें ये जो यहाँ पे जो कमी बेशी आपको नज़र आती है वो हम इसको इसकी फिनिशिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हैं इसको यहाँ से आप ये नीचे आप देखें तो ये यह यहाँ पे जो जूम है यहाँ पे आप जूम करके भी आप इसको कर सकते हैं अगर 200 परसेंट आप कर लें तो फिर आपको ज़्यादा आसानी के साथ आपको नज़र आ जाता है तो आप आसानी के साथ इसकी जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं ये जो आपके पास रेज़र है इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अगर छोटा करना चाहें तो छोटा कर लेते हैं बड़ा करना चाहें तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं तो ये था हमारा मैजिक वैन टूल जिसमें आज हमने काम करके देखा तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का और अगले जो तो जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम क्रॉप टूल के बारे में पढ़ने की जानने की कोशिश करेंगे बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का बसमरिम अल्लाक मैं हूँ ऊब्रवान और आज अब इस टूटोियल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रॉप टूल में किस तरह से काम किया जा सकता है ये बहुत सिंपल है और इसमें कोई इतनी कम्प्लिकेशन नहीं है बहुत आसानी से आप इसमें काम कर सकते हैं फर्स्ट करें कि एक पिक्चर में यहाँ पर ले आता हूँ और इसको हम क्रॉप करते हैं तो क्रॉप का टूल आप सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप क्रॉप का टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप ही देखें कि आपका जो आपका जो कर्सर है उसकी शेप भी क्रॉप हो चुकी है तो अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं जो हिस्सा आपने क्रॉप करना होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं कि इंटर कर देते हैं जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपने जो हिस्सा इसका क्रॉप किया होता है वो 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 फ़ोटो बन जाता है और बाकी हिस्सा ख़ुद ब खुद डिलीट हो जाता है तो ये है क्रॉप का टूल बहुत ईज़ी बहुत सिंपल है मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूँ आपको कि कोई आप फ़ोटो ले लेते हैं कोई कि, कि, किसी भी तरह की कोई फ़ोटो लेते हैं हम तो आप ये देखें कि इसका एक हिस्सा हम अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप का टूल हमने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इस को हम क्राप करना चाहते हैं तो अब ऐसा है कि इसको आप इसकी इसको रोटेश इसको रोटेट भी करवा सकते हैं आप अगर कराना चाहें तो जैसे आपकी आ, आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप इंटर पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये आ, आप थोड़ी सी रोटेट भी हो चुकी है बैकग्राउंड से भी फ़ोटो और इस तरह से आपका बसमीम असलकूम मैं हूँ ऊहूर आवान और अडो फोटोशॉप में आज हम जानने की कोशिश करेंगे स्लाइस टूल के बारे में कि स्लाइस टूल का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि स्लाइस टूल एक कितना ज़बरदस्त टूल है कि जो आपकी जो टैम्पलेट है जो इमेज है उसको आप उसकी एच टी एम एल आप फ़ौरन बना सकते हैं और उसके बाद अगर आपने जो कोई वेब पेज जो डिज़ाइन किया हुआ है उसको आप उसकी एच टी एम एल बना के फर्दर उसमें आप काम कर सकते हैं तो ये जो वेब डिज़ाइनर हैं उनको ये टूल बहुत हेल्प करता है तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसमें हम काम कर सकते हैं सबसे पहले मैं एक टैम्पलेट ले आता हूँ जो वेब डिज़ाइन किया हुआ तो ये एक इमेज है सिंपल एक शेप है जो कि इमेज फॉर्म में मेरे पास पड़ा हुआ है जेपी फार्म में इमेज है तो मैं स्लाइस के टूल की मदद मतलब से इसकी जो स्लाइसिंग करता हूँ स्लाइस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ब्रेड के स्लाइस बनाते हैं छोटे छोटे टुकड़े तो उसी तरह से हम इसके भी टुकड़े बनाएंगे और आप ये देखें कि जो आपका जो कर्सर है वो भी एक कटर एक छुरी की शक्ल का बना हुआ है तो उसको आप जब स्लाइस करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर इसका एक स्लाइस मैंने ये बना दिया और उसके बाद में इसका जो दूसरा स्लाइस है वो मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो आप ये देखेंगे इसके दो स्लाइस हो गए और उसके बाद इसका जो तीसरा स्लाइस आप जितने चाय बना सकते हैं मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ अब ये एक स्लाइस बन गया फिर उसके बाद आप इसकी जो फर्दर जो है ना सिलेक्शन आप इसकी कर सकते हैं और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर आपने इसका एक स्लाइस और बना दिया और एंड पे मैं इसका एक और स्लाइस बना देता हूँ और इस तरह से आप इसका फर्दर चाहें तो इसका स्लाइस बना सकते हैं मतलब ये होता है कि आप इन एरियाज़ में अगर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें कोई नए फोटो ऐड करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं जब आपकी ये स्लाइसिंग मुकम्मल हो जाए तो आप फाइल पे जाते हैं आ, सेव का मैंने इससे पहले आपको बताया नहीं है सेव आप जब करते हैं तो सिंपल सेव आप कर सकते हैं सेव एज़ भी कर सकते हैं तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपको मुख्तफ़ारमेट ऑप्शन आपके पास आते हैं सेव करने के लिए तो इस बार आपने ये करना होता है कि सेव फार वेब यानी कि आप वेबसाइट के लिए आप सेव करना चाहते हैं तो इस जब सेव फॉर वेब पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी जो स्लाइसिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है लेकिन यहाँ हम सेव करते हैं और सेव हम जाके करेंगे आपने एक नए फोल्डर में जिसको स्लाइस वेब के नाम से मैंने एक नाम दिया हुआ है तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई नाम दे देता हूँ जैसे कि वेब वन डॉट एच डी एम एल तो अब एक मेरा सिंपल एच टी एम एल का वेबसाइट का एक पेज बन जाएगा आप ये देखें कि अब यहाँ पे अब हम स्लाइस पे जाते हैं वेब पर तो इस पर आप ये देखें कि एक दो फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं एक इमेजेस की फ़ाइल है और एक वेब की फ़ाइल है अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि जो इमेज हमारे पास मौजूद था सेम वही आपको नज़र आ रहा है लेकिन अब ये वो इमेज नहीं रहा बल्कि ये एक एच टी एम एल की फाइल एक वेब पेज एक वेब पेज बन चुका है और इसकी अगर आप सोर्स चेक करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि व्यू पेज सोर्स तो आप ये देखें कि इसके इसकी जो एच है वो खुद ब खुद बन चुकी है तो अब हम इसके जो फर्दर जो इमेज़ हैं उसकी तरफ जाके देखते हैं जो हमने स्लाइसिंग की थी तो इमेज हम जाते हैं तो आप ये देखें कि जितनी मैंने स्लाइसिंग की थी वो वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है सारे के सारे जो है वो इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं ये इमेज़ आपके पास मौजूद हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे इमेजेस अलग अलग जो मैंने काटे थे वो स्लाइस की शक्ल में अलग हो गए हैं तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं और जब अगर हम वेब पेज पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये हमारा एक सिंपल जो है वो एच का एक पेज बन चुका है तो इसमें ये होता है कि आप जो वो लोग जो वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो अगर इसकी स्लाइसिंग करना चाहें आप अगर किसी वेब इमेज की और उसको आप वेब पेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं और आप अगर एच समझते हैं तो आप ये देखें कि एच का पूरा कोड भी उसने ख़ुद से लिख के दे दिया है हमें तो ये तो स्लाइस का टूल है सिंपल उसके बाद आप ये देखें कि जो हम इस पर आ जाते हैं इसको हम क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई नई और कोई इस तरह की कोई इमेज लेके आते हैं जैसे कि हमारे पास ये लैंड है और इससे हम ले आते हैं तो इसके साथ जो दूसरा टूल है वो देखते हैं कि स्लाइस सिलेक्ट टूल इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब इसकी सिलेक्शन उस तरह से नहीं होती जैसे हमने पहले यहाँ से ड्रैग करके ले गए थे तो उस तरह से नहीं हो रही अब इसके लिए ये होगा कि डिवाइड स्लाइस पर हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको डिवाइड स्लाइस का ऑप्शन नज़र आ जाता है यहाँ पे अनचेक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे अनचेक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मैंने हरिजेंटल जो है ना जो उफकी जिसको बोलते हैं उसमें अगर हम मैं तीन लेना चाहता हूँ तो आप ये देखें कि तीन रोज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस तरह से फिर वर्टिकली मैं यहाँ पर इसकी फ़ोर रोज़ लेना चाहता हूँ कॉलम लेना चाहता हूँ तो वो, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं देखें तीन रोज़ हैं और इसके चार कॉलम बन चुके हैं तो इसको ओके कर देता हूं तो आप ये देखें कि ये इक्वल शेप में ये ले लेते हैं और इसको भी हम जब सेव करते हैं तो सेव फॉर वेब के साथ के नाम से करते हैं तो ये यहाँ पे सेव हो जाता है और इसे भी हम सेव करेंगे लैंड के नाम से लैंड टू नाम दे देता हूँ मैं इसको और डाट एच कर देते हैं ठीक हो गया जैसे हम इसको एच टी करते हैं तो ये भी सेव हो जाता है तो अब उसके बाद आप जब इसके पेज में जाके कर आप देखते हैं तो लैंड टू के नाम से जब आप देखेंगे तो ये आपको वेब पेज नज़र आएगा ये भी देखें इसकी एक्सटेंशन आपको एच नज़र आ रही है और ये एक वेब पेज बन चुका है इसके आप जब सोर्स में जाके देखेंगे यू पेज सोर्स तो ये आप इमेज नहीं रहा बल्कि ये एक वेब का एक पेज बन चुका है और इसकी जो एच की कोडिंग है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है तो अगर इसकी हम स्लाइसिंग देखना चाहें तो वो इमेज़ में ही आपको फर्दर नज़र आएंगे ये देखें इसकी जो स्लाइसिंग उसने की है टुकड़े किए हैं छोटे छोटे वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं तो इस तरह से हम स्लाइस के टूल में काम करते हैं बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया बस्मर अल्लाम मैं हूँ ऊबर रवान और एडो फोटोशॉप में अब हम जानने की कोशिश करेंगे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में ये हीलिंग ब्रश टूल है और इससे इसमें इसके दो हिस्से हैं इसमें हीलिंग ब्रश टूल है और दूसरा पैच टूल है इस टूटोरियल के हिस्से में हम सिर्फ़ हीलिंग ब्रश टूल के बारे में ही पढ़ेंगे और इससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और इस तरह ताकि हमें इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए तो अब ऐसा चाहिए है कि ऐसी फ़ोटो हमारे पास हो ताकि जिसमें कोई ज़ख्म वगैरह का निशान हो तो ये फ़ोटो मेरे पास आ गई है तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो है हीलिंग करके हम देखते हैं तो हीलिंग का अगर टूल आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है और डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको एक फ़ौरन एक मैसेज मिलता है कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते बगैर सोर्स को सिलेक्ट किए तो आपने आर्ट की जो है अपने की से उसको प्रेस करना है फिर क्लिक टू डिफ़ाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज यानी कि आपने वो सोर्स भी सिलेक्ट करना है जिसको उठा के आपने यहाँ पे फिल करना है या तो आप जल्द के इस ऊपर के हिस्से को उठा के यहाँ पे फिल करना चाहते हैं या नीचे के हिस्से को तो मैं फ़िलहाल ऐसे करता हूँ कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे मैं यहाँ से उठा के फिल करने की कोशिश करता हूँ तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले मैं 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 मैंने यहाँ से जो टूल है ये लिंक टूल इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है अब इसकी मेरे जो कर्सर है उसकी शेप आप दायरे की शक्ल में देख रहे हैं अब ऐसा करूँगा कि मैं अपने कीबोर्ड से आर्ट की को प्रेस करना है जैसे मैं alt की को प्रेस करूंगा तो उसके बाद आप ये देखें कि एक टारगेट का निशान आपको जो मेरा कर्सर है वो उस तरह से आपको नजर आ रहा है मैंने इस वक्त alt की को प्रेस किया हुआ है अब मैं अपने माउस से जो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, है माउस का मैं उसको प्रेस करूंगा तो जैसे ही मैं उसको प्रेस करता हूं तो अब यहां से मेरी मेरा टारगेट जो है सोर्स वो सिलेक्ट हो चुका है अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं इसको फिलिंग करना शुरू करूंगा अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे ऊपर नॉर्मल भी होता है रिप्लेस भी होता है तो मैं नॉर्मल पहले रख के देख लेता हूँ ताकि आप जो नॉर्मल हीलिंग है वो आप आसानी के साथ कर पाएँ अब जब नॉर्मल करते हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ कुछ जो बैकग्राउंड है उसके भी जख्म के निशान भी हल्के हल्के आपको रेडिश सा हिस्सा नज़र आएगा लेकिन ये होता है कि ये नेचुरल सा लगता है नॉर्मल और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि अगर आप फर्ज करें ये चाहते हैं कि आप उसको रिप्लेस कर दें इस हिस्से से तो आप अगर इस तरह से करते हैं तो फिर आपका जो है वो सिलेक्शन इस तरह से ज़रा गैरी होने लग जाती है तो बहर आपकी जो ज़रूरत होती है आप उसके मुताबिक ही सिलेक्शन करते हैं आप अगर आप नॉर्मल रख लें तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में आप इसकी फिलिंग कर पाएंगे तो ये था हमारा हीलिंग का टूल और इसमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और इसमें अगर आप चाहें तो इसका जो ब्रश है वो आप बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से और उसमें आप उसकी हार्डनेस भी आप सेट कर सकते हैं डायमीटर बढ़ा सकते हैं उसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से आप जिनके अगर आपका काम लंबा है तो आप अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ ज़ारवान और ट्यूटोरियल के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे पैच टूल के बारे में पैच टूल जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रश टूल यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट आपके सामने होता है जब इस पर आप राइट क्लिक करते हैं तो दो टूल आपको यहाँ पर नज़र आते हैं हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल तो इस हिस्से में पैच टूल के बारे में हम पढ़ेंगे तो पैच टूल को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वो पैच टूल ही सिलेक्ट हो जाता है तो पैच टूल पैच का मतलब होता है पेमंद लगाना जैसे किसी के कपड़े फट जाते हैं तो आप ऐसा करते हैं कि उस जगह को फिल करने के लिए किसी दूसरी जगह से कपड़े का कोई टुकड़ा उठाते हैं और उस जगह पर लगा देते हैं तो फिर महसूस नहीं होता देखने वालों को कि आपने यहाँ पर पे कोई पेमंद लगाया है तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं कि तस्वीर के किसी हिस्से में हम आ, कोई चीज़ उसके हिस्से को हम फिल करते हैं किसी दूसरे हिस्से से इस तरह से ये होता है कि हम कोई चीज़ गायब भी कर सकते हैं और कोई चीज़ वहाँ पर डाल भी सकते हैं तो उसका हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये पिक्चर है आ, तो यहाँ पर इस फ़ोटो में आप ये देखें कि आपको आ, कि यहाँ पर आपको ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों साथ नज़र आ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसके जो ये जो ख़ातून दरमियान में है इसको हम यहाँ से निकालते हैं और इसकी जगह हम ख़त्म कर देते हैं और हम फिर ये भी चाहते हैं कि इसके जो पीछे जो वाटर है वो भी उसी तरह से नज़र आता रहे तो हम ऐसा करते हैं इसके पहले हिस्से में।, में आप भी देख लें कि यहाँ पर आपने पहले सोर्स को सिलेक्ट करना है जब आपने सोर्स को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट किया होगा तो आपने फिर ये करना है कि जो हिस्सा आप गायब करना चाहते हैं उस पूरे को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पूरे हिस्से को यहाँ से हम मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये गलत हो गई मेरी सिलेक्शन कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ मैं इस हिस्से को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ आप ये देखें कि यहाँ से होता हुआ मैं इसका जो इसकी मैंने पूरी सिलेक्शन ले ली है और ये मैंने ली है पैच टूल की मदद से अब मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा के मैं ये चाहता हूँ कि जगह उस हिस्से से फिल हो जाए जो कि इस इसकी कमी को पूरा कर दे तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ यहाँ पे आप ये देखें ए, कुछ यहाँ पे शायद इसकी ये कमी पूरी हो जाए तो आप ये देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रख के इसको क्लिक किया छोड़ दिया तो उसने इस हिस्से को उठा के यहाँ पे कर दिया अब कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करूँगा तो आपने ये देखा कि यहाँ पर अब जस्ट पानी नज़र आ रहा है लेकिन ये वो वाला पानी नहीं है जो इसके पीछे था असल में वो ये वाला पानी था जो साइड पर वो उठा के हमने यहाँ पर लाया अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसके जो नीचे पाँव हैं वो नज़र आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है। वो भी किसी तरह से फिल हो जाए तो उसको फिल करने का तरीका ये है कि मैं इसे उठा के यहाँ पर रख देता हूँ तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ तो फिर ये हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है तो इसका एक तरीका ये है कि इसको उठा के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ तो अब आप ये देखें कि जैसे ही मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो आ, आ, जो यहाँ पे नजर आ रहा था वो भी गायब हो चुका है अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इसका हाथ नज़र आ रहा है और इसका कुछ हिस्सा इसके कपड़ों के करीब साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको भी यहाँ से हम रिमूव करते हैं तो इसे रिमूव करने का तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर छोड़ते हैं तो अब इससे हम जब जैसे ही पानी की तरफ ले जाएंगे तो इस हिस्से को पानी से वो फिल कर देगा कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे तो उसका हाथ तो गायब हो गया है लेकिन यहाँ पर कुछ पानी का हिस्सा इसके कपड़ों के अंदर में लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है तो ये कुछ नामनासब लगता है तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम एक टूल होता है हमारे पास आई ड्रापर बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन आई ड्रापर टूल हमारी इस सिलसिले में मदद करता है यहाँ हम इसका कोई ब्लैक कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम ब्रश का टूल इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश के टूल इस्तेमाल करने से हम इसको यहाँ से फ़िल कर सकते हैं तो इनकी जो कमी आपकी यहाँ पे थी इस तरह से तो वो यहाँ से फिल भी हो गई है तो अब आपने देखा कि हमने यहाँ से एक फ़ोटो से उस औरत को औरत को यहाँ से ग़ायब कर दिया है अब यहाँ पे आप पैच टूल पर ही आते हैं तो पैच टूल में जो है वो दूसरा एक तरीका है कि डिस्टिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है तो अब फर्ज कि अगर हम डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर होगा ये कि जो जगह पहले हमने ये किया था कि उस औरत को यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं करने वाले अब हम ऐसा करेंगे कि हम ब्लैंक जो जगह है जो हम फिल करना चाहते हैं वो उठा के लाएंगे जैसे कि हम वो वो कपड़ा पहले काट रहे हैं जो कि हमने लगाना है तो अब दे देखें ये ब्लैंक जगह है अब मैं इसे अगर पकड़ के ड्रैग करके इसकी जगह पर ले आऊँ इस खातून की जगह पे तो ये इसको रिप्लेस कर देगा ये देखें यहाँ से इसने रिप्लेस कर दिया है कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करूँगा अब यहाँ पे अगर कुछ नज़र आ रहा है तो मैं फिर ऐसा करूँगा कि इसको इस पानी से ही फिल करता हूँ इस पानी को उठा के मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आप ये देखें कि उसने इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया है कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है इसी तरह से जो कोई कमी रह जाए तो आपने ऐसा करना है कि उसको उसको कमी को पूरा करते जाना है तो अब यहाँ पर नीचे आप ये देखें कि ये जगह आपको यहाँ पर नज़र आ रही है तो अब इसको हम फिल करने के लिए ये तरीका है कि इस जगह को हम काटते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पर फिल कर दें ठीक हो गया जैसे ही यहाँ पे हम छोड़ते हैं कंट्रोल डी करते हैं तो ये हमारी जगह फिल हो जाती है अब यहाँ पे एक साया भी नज़र आ रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हम उठा के इसको इसको हम यहाँ पे रखें और कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म करें तो आपने ये देखा कि यहाँ पर हमने जो है वो दोनों को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है और महसूस भी नहीं हो रहा अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है एक सोर्स है जिस वक्त आप सोर्स पर क्लिक किया होगा तो आपने पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आपने ख़त्म करना है जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर सोर्स पर क्लिक किया हुआ है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और फिर उठा के यहाँ पर ले जाऊँगा तो अब यहाँ पर आपने देखा कि वो जो तस्वीर यहाँ पर थी वो भी ख़त्म हो गई है तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कंट्रोल जेड करके तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है लेकिन अगर आप डिस्टिनेशन पर जाते हैं तो फिर आपको पहले जो है ना वो ख़ाली जगह सेलेक्ट करना होगी जिसको आपने फ़िल करना है तो आपने यहाँ से ख़ाली जगह सेलेक्ट कर ली उससे उठा के जब आप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर पाते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने करके दिखाया कंट्रोल डी से आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है तो बाकी चीज़ें भी आप कर पाएंगे तो बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर दीजिए बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का बसमरिम असल मैं हूँ जबरवान और एडो फोटोशॉप में हम सीख रहे हैं टूल्स के बारे में अब हमारा जो टूल इस टूटोरियल में हम कवर करेंगे वो है क्लोन स्टैम्प टूल क्लोन स्टैम्प टूल पर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसमें मज़दीद एक टूल नज़र आता है आपको पैटर्न स्टैम टूल यानी कि दो टूल हैं क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल क्लोन का मतलब होता है कि एज़ इट इज़ किसी चीज़ को दोबारा क्रिएट कर लेना जैसे कि एक इंसान है वही शक्लोसूरत वही कद वही सब कुछ वो आप उसी तरह के दूसरा क्रिएट कर लें तो उसको आप क्लोन कहते हैं और स्टैंप का मतलब भी यही होता है कि जब आप एक जगह पर स्टैंप लगाते हैं तो और दूसरी जगह लगाते हैं तो जो आपने एक जगह स्टैंप लगाई होती है तो दूसरी जगह पर जो स्टैंप लगाते हैं तो उन दो स्टैंप्स में कोई फर्क नहीं होता मतलब यह है कि ये टूल वो है कि जो आपके क्लोन्स बनाने में और एज इट इज फोटो क्रिएट करने के लिए आपकी मदद करता है तो अब हम इसको इसमें काम करके देखते हैं कि इसमें काम कैसे होता है सबसे पहले मैं कोई यहाँ से कोई फोटो ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे पिक्चर हमारे पास है और इसको मैं पहले इसका रिसाइज कर लेता हूँ और इमेज साइज़ में हम जाते हैं तो इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो तो मैं इसको ओके करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लैंक न्यू न्यू, न्यू, न्यू ले लेता हूँ और यहाँ पर अब बैठते इसकी फाइव हंड्रेड कर लें और बस ओके okay कर देते हैं दैट्स इट अब होगा ये कि मूव टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग करके इस फोटो को यहाँ पे ले आता हूँ तो आप ये देखें कि मेरी फ़ोटो जो है वो यहाँ तक आ पहुँची है तो अब मैं इस टूल का इस्तेमाल कर, कर करने की कोशिश करता हूँ जैसे ही आप ये देखें इस पर इसको मैंने इस्तेमाल किया तो अब इस पर क्लिक किया तो आप ये देखें यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है कि नहीं आप इस तरह से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसका सोर्स डिफ़ाइन नहीं किया और उसका तरीका भी उन्होंने बता दिया कि आप आर्ट की को प्रेस करें कंप्यूटर से आपने कीबोर्ड से तो उसके बाद आप माउस के जरिए क्लिक कर दें तो फिर आपका यह सोर्स आप उठा पाएंगे तो मैं ऐसा ही करके देखता हूं अब हम ऐसा करते हैं कि यहां से मैं इसका सोर्स उठाता हूं अब मैं सबसे पहले यह कहता हूँ कि अपने की से आर्ट की को प्रेस करता हूँ जैसे ही मैंने आर्ट की को प्रेस किया तो आप ये देखें कि मेरे कर्सर का निशान भी चेंज हो चुका है और उसके बाद मैं अपने माउस से क्लिक करता हूँ जैसे ही मैंने माउस से क्लिक की जैसे भी किसी आम हम क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पर तो उसी तरह से मैंने क्लिक किया उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ के तो नीचे आ जाता हूं तो आप ही देखें कि जिस जगह पे मैं नीचे पहुंचता हूं तो आप आ, वो वो जब मैं इसको मूव करा रहा हूं तो वही चीज़ जो नीचे ऊपर थी वही नीचे डिस्प्ले हो रही है तो एज़ इट इज़ आप फ़र्ज़ करें कि जिस वक्त आप यहां पे दूसरी जगह पे आप ले, लेना चाहें इसका फ़ोटो तो तब भी आपको इसी तरह करना पड़ेगा मैं आल्ट की को प्रेस करता हूँ आप भी देखें आल्ट की को प्रेस किया मैंने उसके बाद में मैंने आ, क्लिक कर दिया यहाँ पर अपने माउस की मदद से अब मैं इस जगह पर आ जाता हूँ तो आप ही देखें कि जिस जगह पर मैंने उसको डिस्प्ले कराना चाहा तो वहाँ मैं अपना कस कर्सर की मदद से उसको मूव कराता हूँ तो आ, वो वहाँ पे ही फ़ोटो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है तो ये एक तरीका होता है एक तरह के क्लोन्स तैयार करने का लेकिन आमतौर पर जो फ़ोटोशॉप है उसमें आ, हमें ये काम उस वक्त इसकी ज़रूरत इस टूल की ज़रूरत पेश आती है जब किसी के कपड़े फटे होते हैं किसी के सर पर बाल नहीं होते या कोई कागज़ पेपर फटा होता है या कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई अनवान्टड पार्ट्स को हम हटा के तो उसको फिल किसी और जगह से करना चाह रहे होते तो उस वक्त आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर हमने अब एक ही जगह पे जैसे कि हमारे पास कोई फ़ोटो ऐसी मिल जाए कि जिसमें किसी के कपड़े फटे हुए हों तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये देखें एक फ़ोटो हमारे पास आ गई है तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो पेंट है इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं स्टैम्प टूल को तो ताकि इसकी ये जो फटी हुई पेंट है वो फिल हो जाए तो उसके लिए भी हम सेम वही तरीका अडॉप्ट करेंगे कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका सोर्स डिफ़ाइन करते हैं सोर्स हमारा ये वाला है मैंने आल्ट की को प्रेस कर दिया और उसके बाद मैंने माउस के माद से क्लिक किया तो अब आप ये देखें कि ये पेंट जो है वो यहाँ पे फिल होती जा रही है तो अब इस तरह वो जो फटा हुआ जो पोर्शन था वो ग़ायब हो गया है बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर भी क्लिक करते हैं किसी का पहले इसका कोई सोर्स ले लेते हैं यहाँ फर्स करें यहाँ ऊपर से सोर्स ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ नीचे उसको डिस्प्ले करा देते हैं तो आपने ये देखा कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ को हम इस स्टैम्प टूल की मदद से हम फिल कर लेते हैं तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का अगले ट्यूटोरियल में हम पैटर्न स्टैम्प टूल तो को कवर करने की कोशिश करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको बहुत फ़ायदा मंद है ये टूल इसको हम ज़रा डिटेल से कवर करेंगे तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया बसमीम्लैकम मैं हूँ ज़बूरवान और एडो फोटोशॉप सेवन में अब हम पढ़ेंगे पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में पैटर्न स्टैम्प टूल एक ज़बरदस्त टूल है और इसकी मैं आपको इस तरह से समझा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी कभार जब आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनाना होती है तो आप जब शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे आप चार तस्वीरें या आठ बना के दे, दे दें तो वो आपको आपकी फ़ोटो तो एक ही लेता है लेकिन आ, उसके बाद आपकी वो आठ जगहों पर वो डिस्प्ले कर देता है जब वो प्रिंटर से निकालता है तो एक प्रिंट पर वो आठ फ़ोटोज़ ज़ाहिर होती हैं फिर आपको कैंची की मदद मतलब से काट के आपको दे देता है तो आप ले आते हैं तो वही काम इस इस टूल की मदद मतलब से होता है अब हम वो करने की कोशिश करते हैं कि वो काम हम किस तरह से कर पाएंगे तो पहले सबसे पहले हम ये एक फ़ोटो ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक फ़ोटो फोटो है तो ये फोटो जिस वक्त आप आ, आपके पास आएगी तो सबसे पहले आपने ये इसका साइज़ है वो सेट करना है उसका साइज आमतौर पर जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उसका तकरीबन ये होता है कि आप इमेजरी साइज़ हम कर सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं हम इमेजरी साइज़ पे जाते हैं और यहाँ पर आप ये देखें कि ऊपर वाले हिस्से को आपने नहीं छेड़ना चूँकि यहाँ पे पिक्सल्स डिफ़ाइन है और डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है चूँकि हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और ताकि प्रिंटर से आप उसका प्रिंट ले सकें तो उसके लिए आपने ये करना है कि टॉप पर आपने 1.5 पॉइंट रखना है फ़ोटो को और नीचे जो है ना वो टू इंचज़ आपने रखना है तो उसके बाद आप यहाँ पर नीचे रेजोल्यूशन को देखें तो यहाँ सेवेंटी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आमतौर पर सेवनटी उस वक्त हम लेते हैं जिस वक्त आपने कोई ऐसा इमेज तैयार करना हो जो वेबसाइट तैयार करना हो या इंटरनेट पर फेसबुक पर आपने अपलोड करना हो या किसी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करना हो तो उस वक्त लेते हैं लेकिन अगर आपने इसका प्रिंट लेना है तो आप टू हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड तक आप ले सकते हैं तो यही लेना होता है हमने अब हम इसको कर देते हैं ओके तो आपने देखा कि आपका जो साइज है वो रिसाइज हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि एक चीज रह गई है कि वो ये है कि जिस वक्त आप आपका जो कापियाँ तैयार कर लेंगे क्लोन्स तैयार कर लेंगे एक पेज पर जैसे कि आठ तस्वीरें आप एक पेज पर लाना चाहते हैं तो उस वक्त ये होता है कि जब काटने में आपको प्रॉब्लम ना हो और दरमियान में एक छोटा सा वाइट एरिया आपका यहाँ पे शो हो जाए तो ज्यादा अच्छा है उसका एक तरीका ये होता है कि आप एडिट में जाते हैं जैसे ही आप एडिट में जाएं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक जो स्ट्रोक है उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका एरिया डिफाइन हो जाता है लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि स्ट्रोक आपका डिसेबल है तो अब इसको क्या करें ये क्या प्रॉब्लम आया हमारे साथ उसका उसकी वजह यह है कि हमारा जो जो लेयर है यहाँ आप देख लें ये लाक हुई हुई है तो लाक लेयर्स पर काम नहीं हो पाता उसके लिए आप क्या आपको क्या करना पड़ता पड़ेगा आपको डुप्लीकेट लेयर लेना पड़ेगी तो वो हम कैसे लेंगे यहाँ पे हम राइट right क्लिक करते हैं तो डुप्लीकेट लेयर पर हम क्लिक कर देते हैं आप ये देखें कि एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है तो अब हम इस पर आसानी के साथ काम कर पाएंगे तो ये एक चीज़ का आपने ये भी ध्यान देना है कि अगर ये नीचे वाली रो सेलेक्टेड है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे सेलेक्टेड ये होना चाहिए जिसको आप जो आपकी आप रो सेलेक्टेड होती है वो आप उसका देखें उसका कलर भी चेंज हो जाता है यहाँ पर आपको ब्लू कलर नजर कलर नज़र आ रहा है तो अब क्या होगा कि हम ऐसा करते हैं Okay, i दोबारा एडिट पे जाते हैं एडिट में जाने के बाद हम ऐसा करते हैं कि स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा स्ट्रोक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसकी विर्थ जो है वो वन पिक्सल है कलर ब्लैक है और सेंटर है और बाकी चीज़ें आप इनको बाई डिफ़ाल्ट दे रहने देते हैं ओके कर देते हैं ओके करते हैं तो उसके बाद क्या है कि सबसे ऊपर आप ये देखें कि यहाँ पर आपको शो बाउंडिंग बक्स जो है ना इस पर क्लिक करना है तो बाउंडिंग बक्स आपका लेना जरूरी होता है उसकी वजह यह है कि इस ताकि हमारा जो हमें इसको आगे ले जाने में ड्रैग करने में आसानी हो तो एक यहाँ से कर लेते हैं कुछ हिस्सा यहां से कर लेते हैं फिर टॉप से भी कर लेते हैं और फिर नीचे से भी हम कर लेते हैं तो आपने ये देखा कि ये फोटो के जो एरियाज़ हैं ना जो साइड वाले वो हमने डिफ़ाइन कर दी हैं ताकि हमें काटने में आसानी हो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको अपलाई कर देते हैं जो जो हमने ये काम किया है अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप मूव के टूल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे अप्लाई पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपका जो ये ये जो आपने स्ट्रोक बनाया था ये अप्लाई हो चुका है लेकिन अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है कि बैक पे भी आपकी जो वो है फोटो फोटो ही नजर आ रही है और कोई वाइट बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा तो उसकी वजह यह है कि हम तो वाइट लाना चाह रहे हैं उसकी वजह यह है कि यहां पे जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी वो वो, वो, वो यही फोटो है तो वो चूंकि वो लेयर लाख है इस वजह से हमने फिर एक नई डुप्लीकेट लेयर हमें लेना पड़ी तो वो उसका तो इशू कोई नहीं है हमने डुप्लीकेट लेयर ली उसमें हमने काम भी कर दिया लेकिन अब बैकग्राउंड को हम किस तरह वाइट करें उसका तरीका यह है कि अब इसके ये जो आंख है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी अब आप ये देखें जैसे ही मैंने उस आंख पर क्लिक किया तो इसका जो बैकग्राउंड है वो वहाँ से ग़ायब हो गया है तो अब ये हमारी फाइनल पिक्चर है ये ये तैयार हो चुकी है अब हमने इसका इसका जो शो बाउंडिंग बाउंडिंग बॉक्स भी हमने अनचेक कर दिया है तो अब इस तरह से आपने देख लिया कि एक फ़ोटो आपकी तैयार हो चुकी है अब आपने इसको पैटर्न डिफ़ाइन करना है इसका पैटर्न डिफाइन करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप चले जाएंगे एडिट में एडिट पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ आप नीचे आते जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि डिफ़ाइन पैटर्न का ये जो एक आइकन आपको नजर आता है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने नाम भी दे दिया गर्ल वन टू थ्री जे पैक के नाम से तो हम ओके कर देते हैं जो नाम हो हमें नाम से गरज नहीं है तो अब आपका ये पैटर्न डिफ़ाइन हो चुका है अब पैटर्न के जो इस टूल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पे टॉप पर जो पैटर्न है वहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये फ़ोटो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है तो इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये यहाँ ज़ाहिर हो जाती है तो अब ये पैटर्न है अब पैटर्न को हमने एक बड़े पेज पर फिल करना होता है तो बड़ा पेज लेने के लिए का तरीका ये है कि हम फाइल पे चले जाते हैं न्यू ब्लैंक फाइल लेंगे और अब यहाँ पे विर्थ जो है ना वो हमें चूँकि एक प्रिंटर से आप आपको अंदाज़ा होगा कि कितना पेज एक बायर आता है जिस पर आठ फोटोज आ जाएँ तो उसका उसकी विर्थ जो है वो बारह सौ पिक्सल आप ले लें और उसके बाद उसकी जो हाइट है वो आठ सौ ले लें और उसकी जो रेजोलूशन है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने 200 से लेकर 300 तक लेनी है तो उसके बाद आप ओके okay कर देंगे और जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप ये देखें कि आपके सामने एक ब्लैंक पेज ज़ाहिर हो चुका है अब इस ब्लैंक पेज पर जस्ट आपने पैटर्न को फिल करना है और इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना आप इसी तरह एडिट में चले जाएँगे और एडिट में जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास यहाँ एक फिल का आइकन आपको नजर आ रहा है जस्ट आप फिल करते हैं और यहाँ पे आपने ये ध्यान ज़रूर देना है कि जो पैटर्न दूसरा कोई सिलेक्ट ना हो यही वाला सिलेक्टेड हो तो जैसे ही आप ये पैटर्न सेलेक्ट होगा ओके कर देंगे तो आपने ये देखा कि आपकी जो वो सारी फ़ोटोज़ हैं वो इस पर आठ फोटोज़ बन के यहाँ आपके सामने जाहिर हो चुकी हैं तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और सेव करने का भी ये तरीका होता है कि आप ज़्यादातर जो मशहूर है वो है जे और यहाँ पे हम फोटो लिख देते हैं फ़ोटो लिख दिया हमने फ़ोटो वन के नाम से तो उसके बाद जे में ये सेव हो गया है तो अब इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो हम जो है वो मैक्सिमम रख लेते हैं और ओके कर देते हैं तो इस तरह से ये आपका जो पैटर्न जो टूल है उसमें आपने इसमें काम किया तो पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से हमने जो है वो एक फ़ोटो जो हमारे पास थी उसकी हमने आठ फोटोज़ बना दिए हैं अब जब इसको आप प्रिंटर से निकालेंगे उसके बाद आप काट के तो इसको आठ ही में तकसीम कर लेंगे बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका बसमर असल मैं हूँ जवरवान और एडो फ़ोटोशॉप में अब हम पढ़ेंगे स्ट्री ब्रश टूल के बारे में और आर्ट स्ट्री ब्रश टूल के बारे में स्ट्री जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आप की जो बैकग्राउंड में कोई चीज़ पुरानी थी उसको आप रिट्राइव कर लेते हैं आप उसको रिकवर कर लेते हैं तो उसमें हम करके देखते हैं जैसे कि हमारे पास ये फ़ोटो है और इसे मैं ब्रश टूल की मदद मतलब से पहले इसको ख़राब करता हूँ और फिर आपके सामने इसको स्ट्री इस ब्रश टूल की मदद मतलब से इसको हम दोबारा से रिकवर कर लेंगे अपनी इस फोटो को तो आप ये देखेंगे हमारी ये फ़ोटो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है अब हम हाँ पे स्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही आप स्ट्री ब्रश का टूल आ, टूल आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप ये देखें कि आपकी जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो दोबारा से रिकवर हो गई है तो ये एक अच्छा टूल है जिसकी मदद मतलब से आप अपनी जो जरिजनल फोटो है वो अगर उसमें कोई पेंट करते वक्त उसको चेंजिंग उसमें करते वक्त अगर खराबी कोई आ गई है तो आप फ़ौरन ही स्ट्री ब्रश की टूल की

आर्ट में ले आता है तो अब फिर दोबारा अगर हम स्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल करें तो आप ये देखें कि इस चीज़ को हम दोबारा से रिकवर कर लेते हैं अपनी ओरिजिनल फ़ोटो को दोबारा हम स्ट्री ब्रश का टूल अप्लाई करके देखते हैं तो आप ये देखें ये ऐसे 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 जैसे अप्लाई करेंगे और इसके में आप इसके मुख्तलिफ मोड्स हैं जिसमें नॉर्मल है डार्कन है और इस तरह से ये सारे के सारे आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं तो आ, बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का अगले ट्यूटोरियल में हम आ, अगले जो टूल्स हैं यहाँ पर वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का बसमीम् अल्लावान और आज डो फोटोशॉप में हम रेज़र टूल के बारे में पढ़ने पढ़ेंगे रेज़र टूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस पर इसमें हमें मज़ीद तीन तीन टूल मिलते हैं जिसमें रेज़र टूल है बैकग्राउंड रेज़र टूल है और मैजिक रेज़र टूल है तो अब हम इस्तेमाल करके देखते हैं एक एक करके हम तीनों को अप्लाई करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आप ये देखें जैसे ही आपने मैं ज़रा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा तो आ, मैं एक इसका जो है वो बैकग्राउंड जैसे मैंने इसको रेज़ करने की कोशिश की तो ये मेरा कलर्ड करता हुआ जा रहा है और ये आप ये देख रहे हैं कि ये वो कलर है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये जो इसका बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर सेट किया था अगर हम इस कलर को चेंज करें और इसको फर्स्ट करें कोई दूसरा कलर दे देते हैं तो जैसे ही अब मैं इस पर यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये दूसरा कलर हो जाता है और हम चाहें तो इसको वाइट कलर भी कर सकते हैं बैकग्राउंड में तो ये इसका तरीका होता है और जैसे मैंने आप इस पर अगर कलर कर दिया तो ये सारी की सारी फोटो भी चली जाती है लेकिन यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यहां पर रेजर हिस्ट्री रेज हिस्ट्री भी है यानी कि हमारी जो हिस्ट्री है उसे भी हम रेज कर सकते हैं तो आप ये देखें आप दोबारा अगर इस पर मैं रेज करता हूँ तो हमारी जो असल औरिजिनल फोटो है वो भी जैसे कि हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से हम ले आते थे तो ये की मदद से भी हम ला सकते हैं हालांकि इसका नाम रेजर टूल है लेकिन रेजर टूल होते हुए भी ये दूसरा काम भी करता है जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको भी ये वापस ले आता है जैसे कि इसको लेकिन उसके लिए हमें यहाँ से इसको चेक करना पड़ेगा रेज टू हिस्ट्री अब हम इसको अनचेक कर देते हैं और अब हम इसका जो दूसरा टूल है उसे हम अप्लाई करके देखते हैं बैकग्राउंड रेजर टूल अब बैकग्राउंड रेजर टूल ये है कि जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते जाते हैं जो चीज़ आपने रिमूव करनी होती है उसका जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर आप यहाँ से रिमूव कर पाते हैं जैसा कि मैं आपके सामने करके आपको दिखा रहा हूँ तो आप जो जो आप जहाँ जहाँ आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो 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 एरिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जाएगा बैकग्राउंड से तो इस तरह से आप अपना जो टूल है बैकग्राउंड रेजर टूल तो इसकी मदद मतलब से आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं और एक बात मैं आपको बताऊं कि हम बैकग्राउंड चेंज क्यों करते हैं इसकी वजह यह होती है कि एक तो पर्पस ये है कि हम इसके बैकग्राउंड पे कोई दूसरी इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं इस वजह से हम पहला बैकग्राउंड रिमूव करके तो दूसरा ले आते हैं इसके अलावा भी इसका एक तरीक़ा इसकी एक वजह यह भी होती है कि हम आ, ने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही रखना होता है जैसे पी एन जी फार्मेट में हम इसको सेव करते हैं और जब हमने वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया पर और दीगर किसी जगह पर भी आपने इसको जब अप्लाई करना होता है पिक्चर को शो करना होता है तो इसका बैकग्राउंड कुछ भी नज़र नहीं आता वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होता है तो इसके कई बेनिफिट्स होते हैं तो इस वजह से हम इसको रखते हैं महर ये दूसरा टूल है हमारे पास जिसकी मदद मतलब से हम इसका बैकग्राउंड हमने यहाँ से रिमूव किया तो अब मैं इसका जो है वो आ, न, न, जहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ हिस्ट्री को तो अब हिस्ट्री के रेज़र पर क्लिक करके तो मैं दोबारा इसको जब इसकी हिस्ट्री जो है वो रिकवर कर लेता हूँ ये फोटो मेरी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से मेरे पास आ जाएगी तो अब इस फोटो पर हम ऐसा करेंगे कि औरिजिनल जो, जो जो इसका तीसरा जो मैजिक रेजर टूल है उसे हम अप्लाई करके देखेंगे तो मैजिक रेजर टूल जब हम अप्लाई करते हैं तो आप ये देखेंगे सबसे पहले आपने टॉलरेंस को भी देखना होता है और उसमें यह होता है कि जब आपकी टॉलरेंस थर्टी है या फिफ्टी आपने रखी है तो फिफ्टी पर ज़रा ज़्यादा ये सिलेक्शन करेगा आप थर्टी पर करके देखते हैं अब उसके बाद मैं यहीं से इसको 50 करके आपको दिखाता हूं तो आप ये देखें कि जैसे आपने 50 पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा ज्यादा इसकी जो बैक, इसने इसने जो सिलेक्शन ली वो थोड़ी ज्यादा हो गई है अब हम ये जो थोड़ी सी चीज जगह पर यहाँ पर जो चीज़ें रह गई हैं उसको हम सिंपल रेजर टूल की मदद से भी हम रेज कर सकते हैं और ये तो हिस्ट्री को रिकवर कर रहा है लेकिन हम इसको जब हिस्ट्री इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ये हमारी जो सिंपल जो बैकग्राउंड है वो हमें करके दिखा देगा कर जो ट्रांसपेरेंट कर देगा तो इस तरह से हम अपना जो जो ट्रांसपेरेंट है वो हम ले आते हैं तो अब ये तो आपने करके देख लिया और इस टूल का इस्तेमाल भी आपने करके देखा अब अगर हम इसको पी फॉर्मेट में सेव करें तो देखें उसके फिर क्या रिज़ल्ट निकलते हैं अब आप के सामने जब आप यहाँ पर टॉप पर जाते हैं तो सेव पर आप इसको क्लिक करेंगे जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो मैं इसको कोई नाम देता हूँ जैसे कि टी ओ टी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया लेकिन यहाँ ड्रॉप डाउन में आप ये देख लें कि आपने जो सिलेक्शन करनी है वो करनी है पी एन जी फार्मेट आप ये देखें कि पी एन जी आपके पास यहाँ नीचे मिलता है आपको ये पी एन जी है आप इसको सेलेक्ट कर लिया लेकिन याद रखें कि आपने जो फाइल का नाम रखा है वो टी ओ टी के नाम से सेव कर रहे हैं आप तो सेव कर देते हैं डेस्क टॉप पर तो अब हम ऐसा करते हैं कि डेस्क टॉप पर जाके देखते हैं अब जैसे ही डेस्क टॉप पर हम आते हैं तो आप ये देखेंगे आपकी ये फाइल है ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आपको नजर आ रही है लेकिन यहाँ चूंकि छोटी फोटो है तो हम इसको जरा सही तौर पर देख नहीं पा रहे लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसको किसी और जगह पर ले जाते हैं हम वर्ड की फाइल है मेरे पास इस पर मैं इसको इंसर्ट करके ले आता हूँ यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ से आ, हमारे पास जो फ़ोटो है वो है टी ओ टी के नाम से तो अभी देखें कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो चुका है और वो ट्रांसपेरेंट है यहाँ जो कुछ भी बैकग्राउंड में होगा वो आपको नजर आएगा अब यहाँ मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ अभी देखें तो दूसरा कलर मैंने अप्लाई किया तो वो भी यहाँ पर हो गया तो अब आपने ये देखा कि ये जो इसका जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है रेजर टूल की मदद से बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर कर दें और मुनासिब समझें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें बहुत शुक्रिया आपका बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ ज़ावान और एडो फोटोशॉप में अब हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट टूल के बारे में और पेंट बकेट टूल के बारे में तो ये दोनों टूल हैं अब इन्हें हम प्रैक्टिकली इनमें हम काम करके देखते हैं और देखते हैं कि इनसे हम क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं सबसे पहले आते हैं ग्रेडियन टूल ग्रेडियट जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसका मतलब ये होता है कि आपका कलर्स में कुछ उतार चढ़ाव आप कभी देखते हैं कुछ पेंटिंग आपके सामने इस तरह की होती है कहीं जिसमें एक कलर स्टार्ट हो रहा होता है फिर आगे चल के वो एक कलर किसी दूसरी शेप में आहिस्ता आहिस्ता डिज़ो होता हुआ चला जाता है और दूसरी जगह पर आप पहुँचते हैं तो कलर वो जो आपका शेप है वो कुछ चेंज हो चुकी होती है तो हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से काम होता है फ़र्ज़ करें जिस वक्त आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के बाद आपका माउस का जो कर्सर है वो इस तरह की हो जाती है फिर आप यहाँ ऊपर चेंजेस कर पाते हैं जिसमें यहाँ पे मुख्तलिफ आपको को मिलते हैं जैसे कि ये है ट्रांसप ये में मुख्त ऑप्शन आपके सामने हुए हैं और फिर यहाँ पर भी आप इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स आप चेक कर सकते हैं हम करके देखते हैं इसमें तो आपस करें कि मैंने ये सिलेक्शन ले ली है मैंने टूल को सिलेक्ट कर लिया है और ग्रेडियंट को भी सिलेक्ट किया है तो उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैक करके ले जाता हूँ तो आप ये देखें कि जिस तरह का यहाँ पर था ये ऊपर मैंने इसका पैटर्न सेलेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर नीचे भी मुझे शो होता हुआ नज़र आता है. अब मैं अगर इसको चेंज करके देखता हूं तो यहाँ पर आप ये देखें कि अब इसका कलर किस तरह से चेंज हो गया यानी कि आप यहां से से रेड कलर चलता हुआ आगे की तरफ आता है और आके ग्रीन हो जाता है तो इस तरह से आप इसके इफेक्ट्स अप्लाई करके देख सकते हैं तो अब ऐसा करते हैं हम कि इसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं ये एक स्टाइल है और इसमें हम ऐसे करके देखें तो इसका स्टाइल इस तरह से आ जाता है फिर अगर फर्ज करें कि यहां से इसी की सिलेक्शन ले लेता हूँ और मैं कंट्रोल जेड से इसको अपनी पहली पोजीशन में ले आता हूँ और आप यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल सर्कल की चक्कर में जैसे कि यहाँ पे आपको शेप नजर आ रही है ऊपर आप ही देख सकते हैं इसको तो इस तरह की ही शेप यहाँ पे आपको नीचे भी बनती हुई नज़र आती है तो आ, ये इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं अब दूसरा है तो इसको हम ले कर देखते हैं आप ही देखें कि इसका स्टाइल एक अलग तरह से हो गया है तो इसमें और इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको अब देखा जाए लेकिन एक चीज़ है जिसमें अब मैं नया इमेज लेता हूँ यहाँ से और फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ ओके okay कर लेते हैं और मैं इसको ज़रा आपको दिखा देता हूँ वाजे करके तो आप ही देखें कि फ़र्ज़ करें कि आपकी सिलेक्शन इस चीज़ की हुई हुई है यहाँ पर तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लेकिन अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ रिवर्स पे सिलेक्ट ओके कर देता हूँ तो रिवर्स का ये होता है कि जैसे आपने यहाँ सिलेक्शन की तो आपका जो सिलेक्शन यहाँ पर होना थी तो वो उसका थोड़ा सा उल्ट होता है अब मैं रिवर्स को अनचेक करता हूँ आप ये देखें रिवर्स को मैंने अनचे किया अब यहाँ पर देखें कि थोड़ा सा उसमें तब्दीली आ जाती है तो अब इसको मैं चेक कर रख के तो फिर करता हूँ तो इसमें कुछ थोड़ी सी आप और तरह की शेप देखते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी भी पर भी क्लिक करके चेक कर कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे जो दीगर इसके में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उन पर भी आप बारी बारी सिलेक्शन करके उनको चेक कर सकते हैं कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप जब वो भी चेंज करके देख सकते हैं तो ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है इतना मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसको कम्प्लिकेटेड की जिसको उस तरह से समझा जाए बहरहाल ये अपना बैकग्राउंड चेंज करने के लिए भी होता है और इसके अलावा भी अगर आप कोई कोईट्स इस तरह के देना चाहते हैं तो आप अपने इमेज में दे सकते हैं और इसके साथ हम देखते हैं नीचे कि पेंट बकेट टूल है पेंट बकेट टूल के लिए हम दोबारा इसको एक ब्लैंक फाइल ले लेते हैं और उसमें हम पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल करते हैं पेंट बकेट टूल बिल्कुल बहुत सिंपल है जैसे कि आपके पास पेंट की एक बाल्टी हो और उससे आप किसी जगह कलर करते हैं तो ये बहुत सिंपल है कोई भी सिलेक्शन आपके पास है तो उस सिलेक्शन में आप इसकी मदद से कलर कर सकते हैं फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पर एकप्टिकल शेप की एक सिलेक्शन मैंने ले ली है अब मैं इस पेंट बकेट टूल की मदद से इसको फेल करता हूँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि इसके बाहर कलर नहीं जाता इसके अंदर ही सिलेक्शन के अंदर अंदर आप कलर कर पाते हैं इसी तरह से मैं दूसरी सिलेक्शन यहाँ पर लेता हूँ तो आप ये देखें कि इसमें अब यहाँ से मैं कलर भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पर पे इस पेंट बकेट टूल को मैं यहाँ से पिक करता हूँ और फिर आप ये देखें कि जो सिलेक्शन मैंने ली थी उसमें मैंने कलर भी कर दिया है तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इमेज है जैसे कि मेरे पास ये इमेज है तो मैं इसमें इस इसको मैं पहले सिलेक्शन लेता हूँ इसकी सिलेक्शन लेने के लिए मैं मैजिक पेंट टूल का इस्तेमाल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि मेरी सिलेक्शन ज़्यादा हो पाए तो आप ये देखें कि इसको मैं सिलेक्शन ले ली है और यहाँ पर फिर मैं जब मेरी सिलेक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो मैं इसको कोई कलर अप्लाई कर दूँगा तो आप ये देखें कि जैसे मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ली है अब मैं पेंट बकेट टूल की मदद से इसमें कोई कलर भर देता हूँ तो कलर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई ऐसा कलर जो कि यहाँ पे मैं ले आता हूँ ये देखें आप यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें जो जो मेरी सिलेक्शन हुई हुई है वहाँ पर मैं आसानी के साथ ये कलर कर पाता हूँ तो पेंट करना इसमें आसान होता है यानी कि जिस जगह पर आप पेंट करना चाहते हैं वो पेंट आपकी हो जाएगी लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उस जगह को आप सिलेक्ट कर लें जैसे कि मैंने अब इसकी सिलेक्शन ली है और उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है तो आ, ये था हमारा आ, पेंट ग्रेडिएंट ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत शुक्रिया आ, और अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ ज़बर और डो फोटोशॉप सेवन में अब हम पढ़ेंगे ब्लर टूल टूल के बारे में और शार्पन टूल के बारे में और समझ टूल के बारे में मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि ब्लर कहते हैं धुंधला करने को जैसे आपके पास कोई फोटो है और उसके जो फ्रंट पे जो एक फ़ोटो है उसको आप छोड़ देते हैं और उसके बाद जो पीछे का हिस्सा होता है उसको आप धुंधला कर देते हैं जैसे कि के डी कैमरे से आप फोटो ले रहे होते हैं तो आप किसी एक फ़ोटो को आप फोकस कर लेते हैं और बाकी का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट अगर आप यहाँ देना चाहें तो आप दे सकते हैं उसके बाद शार्पन शार्पन टूल एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल आम पर, पर ज्यादा नहीं होता लेकिन अगर आप किसी फोटो में थोड़ी सी शार्पनेस देना चाहते हैं थोड़ा सा उसका शोखपन दिखाना चाहते हैं तो आप इसका हल्का सा इस्तेमाल करेंगे तो यह कुछ तो तस्वीर को बेहतर कर देगा बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे इस टूल का तो यह तस्वीर को थोड़ा खराब कर देगा और तीसरा जो टूल है वो समझ टूल है समझ कहते हैं धुआदार कर देने को तो जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो वह एक दुएं की सी शक्ल पैदा हो जाती है तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले ब्लर टूल को तो ब्लर जो है वो अगर हम फर्ज करेंगे इसको हम करते हैं तो आप ये देखें कि इसमें आप हम ये चाहते हैं कि इसकी जो ये सामने वाली जो इसकी फ़ोटो है ये सामने रहे बाकी सारे का सारा ब्लर हो जाए और धुंधला हो जाए तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं अभी देखें कि जैसे जैसे मैं इस पर अप्लाई करता जा रहा हूँ तो इनकी फ़ोटोज़ जो है ना वो धुंधली होती जा रही हैं तो इस तरह से जितना ज़्यादा आप इसको घुमाएंगे इस पर तो उतनी ज़्यादा वो धुंधलापन उस पर आपको नजर आता रहेगा तो इस तरह ये होता है कि अब एक फ़ोटो जो आप फ्रंट पर रखना चाहते हैं वो तो आपको सही नज़र आ रही है लेकिन बाकी जितनी पीछे फ़ोटोज़ हैं वह सारी की सारी धुंधली हो चुकी हैं तो इस तरह से आपका जो है वो आप जो जैसा डी एस कैमरे का जो इफेक्ट आप देते हैं कि जिसमें एक फ़ोटो जो आटो फोकस हो जाती है और पीछे का ऐसा बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है तो वो आपने इफेक्ट इस तरह से आप देते हैं इस टूल की मदद से जो ब्लर टूल आपके पास मौजूद है तो अब हम ऐसा करते हैं कि स्ट्री ब्रश की मदद से इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं आप ये देखें कि जैसे आपने जो ब्लर किया था वो अपनी वो ख़त्म हो गया है और अब ये अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया है तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि जो दूसरा टूल है यहाँ पे शार्पन टूल शार्पन टूल का हम इस्तेमाल करके देखते हैं लेकिन हम इमेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या इसी पर ही अप्लाई करके देखते हैं जैसा कि आप मैं इसको ले लेता हूँ अब आप फ़र्ज़ कि ये देखें कि मैं इस पर जब थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें कि थोड़ा थोड़ा ये आज शार्पनेस देता है और अगर आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और आप ये देखें कि इसमें जो शार्पनेस आ जाती है तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इसमें अगर आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये तस्वीर को थोड़ा सा ख़राब कर देगा तो इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं कि एक आधबार इसको हल्का फुल्का सा यूज़ कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ भी हम ज़्यादा नहीं रखते तो इस तरह से तस्वीर में थोड़ा सा एक शार्पनेस का एक इफेक्ट आप यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं तो ये एक टूल है इसका ज़्यादा इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता और उसके बाद ये जो समझ टूल है इसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं मैं तो कोई दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए फ़र्ज करें कि मेरे पास ये फ़ोटो आ गई है और इसमें मैं समझ टूल का इस्तेमाल करता हूँ और इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि धुआं इफेक्ट पैदा कर देना जैसे कि अब यहाँ पर मैं घुमाता हूँ इसको तो आप ये देखें कि इस फोटो में वो सारे का सारा ऐसे पता चल रहा है जैसे कि कोई धुआँ सा फैला हुआ हो तो आप इसको आसानी के साथ देख देख सकते हैं इस तरह का इफेक्ट कभी आपने देना हो तो आप उसमें दे सकते हैं तो इस तरह से हमने तीनों टूल्स को कवर किया इसमें ब्लर टूल को हमने धुला करके देखा शार्प पन टूल जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता लेकिन हमने इसका इस्तेमाल किया तो आपने देखा कि हम थोड़ा सा एक शार्पनेस हम तस्वीर में दे सकते हैं और स्मज टूल आपके सामने ये जो मैंने करके दिया है तो इस इस तरह से आप चाहें तो ब्रश इस्ट्रीप्रस्ट से इसको आप दोबारा भी ला सकते हैं तो बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए बहुत शुक्रिया आपका बस्म अल्लाम आलकम मैं हूँ ऊबरवान और एडो फोटोशॉप में अब हम पढ़ेंगे एक नए टूल के बारे में और ये तीन टूल हैं जिनमें शामिल है सबसे ऊपर है डाज टूल और बर्न टूल और स्पंज टूल और जैसा कि आप जानते हैं कि डाज कहते हैं धोखा देने को और उसके बाद बर्न होता है किसी चीज़ को वो इफेक्ट देना कि जैसे कुछ जला जला हुआ है या किसी का कलर सांवला करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप स्पंज टूल का इस्तेमाल भी शार्पनेस कटाने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चूँकि तीनों टूल्स का इस्तेमाल हम एक साथ करेंगे तो मैं पहले चूँकि ये मेरे पास जो फ़ोटो है ये ऑलरेडी इसमें ग्लो का इफेक्ट है तो मैं इस पर बर्न टूल को अप्लाई करके देखता हूँ तो फिर देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है तो आप ये देखें जैसे मैं इस पर बर्न टूल अप्लाई करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें इसके जो चेहरा है वो सामला होता जा रहा है तो इस तरह से ये होता है कि आप आ, आ, किसी की भी कि शक्ल है जो उसको उसमें अगर आप सामला कलर का इफेक्ट आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं जैसे कि मैं आपके सामने इसको आ, इसका जो है वो आ, इस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें इसका ये होता है कि इसमें आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना इसका कलर में एक वो सामला कलर आता है और जैसा कि नाम से जाहिर है कि बर्न टूल है तो ये ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई चीज़ जली हुई हो तो अगर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये इफेक्ट देगा और अगर थोड़ा अप्लाई करेंगे तो ये सामला कलर दे देगा अब मैं इसी जगह पर अब डार्च टूल अप्लाई करता हूँ अगर किसी का कलर इस तरह का है और वो अपना कलर ज़्यादा शौक़ दिखाना चाहता है डार्च देना यानी कि धोखा दे रहा है किसी को अपनी तस्वीर दिखाकर तो आप उस पर यह भी अप्लाई कर सकते हैं आप देखें कि जैसे जैसे मैं इस पर डार्ज टूल को अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका चेहरा मज़ीद ग्लो करता हुआ जा रहा है और जो इसमें वो जो जला हुआ पन था और सामला कलर था वो यहाँ से आपको गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस तरह से आप इन दो टूल्स का कर इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ जो दूसरा टूल है वो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक फोटो मेरे पास मैं ले आया हूँ तो इसमें जो तीसरा टूल है वो है स्पंज टूल और स्पंज टूल भी इसकी किसी की शार्पनेस को घटाने और बढ़ाने के लिए होता है जैसे कि इसमें दो इफेक्ट्स होते हैं एक होता है सेचूरेट और दूसरा होता है डी अब देखें सेचूरेट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो आप ये देखें कि ये इसकी जो शार्पनेस है वो बढ़ रही है अब यह को यहाँ महसूस हो रहा है सेचूरेटड को जब हम अप्लाई करते हैं तो जो कलर्स हमारे होते हैं उनकी इंटेंसिटी उनकी शिद्दत में इजाफा होता है जिस जिस कलर पर आप देखे में इसके, इसके जो पत्ते हैं उस पर मैं जब अप्लाई कर रहा हूं तो उसकी इंटेंसिटी में आपको इजाफा होता हुआ नजर आता है तो जब ये वाइट रोज पर मैं अप्लाई करता हूं तो वो भी इसके रंग निखर कर मेरे सामने आ रहे हैं तो एक ये इफेक्ट आप इसमें देखते हैं दूसरा इसका जो दूसरा मोड है वो होता है डी सेचूरेटेड डी सेचूरेटेड इसका उल्ट है बिल्कुल जब आप इस पर अप्लाई करते हैं तो ये इसके जो शार्पनेस है कलर्स की वो इंटेंसिटी वो कम होती जाती है जैसे कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि इसकी शार्पनेस कम हो रही है तो ये टूल आपने करके देखा किसी शार्पनेस कम करने के लिए डी सैचुरेट का मोड आप इस्तेमाल करेंगे और अगर आप इसकी शार्पनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको सेचूरेटड के मोड में अप्लाई करके देखेंगे तो इस तरह आपका जो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा आ, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका बस्मीम् अल्लाम मैं हूँ ज़ारवान और डो फोटोशॉप में अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन पाथ सिलेक्शन टूल के बारे में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आप पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन को आप चूज़ कर लें तो अब यहाँ पे उसको अप्लाई करके देखें तो ये आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है और इसी तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन को भी लें तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र नहीं आते उसकी वजह यह है कि पहले से कोई पाथ यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है जिसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकें तो पाथ ड्रा करने का तरीका यह है कि आपके पास ये पेन टूल भी है इससे भी आप ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बने बनाए पाथ बी आपके पास मौजूद हैं तो अब चूँकि हमें आ, हमने चूँकि टूल्स को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे बने बनाए पाथ को भी ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि रेक्टेंगुलर पाथ को ले लेता हूँ अब ये देखें एक सिंपल पाथ है और इसको मैंने यहाँ पर जब लिया है तो अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस पर हम ये जो पाथ सिलेक्शन टूल है इसको अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले ऊपर वाला टूल है अब ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी जो इसके चारों कोनों पर आपको डॉट बने हुए नजर आ रहे हैं तो अब इसके पाथ की जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है तो अब क्या होगा कि इसको जब मैं ड्रैग करता हूँ इधर ऊपर नीचे तो इस 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 पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ जिस जहाँ ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो इसका डुप्लीकेट बनाना चाहूँ तो मैं अपने की से से की को प्रेस करके इसको आगे ले जा सकता हूँ तो अब आपने ये देखा कि इस की मदद से हमने इसमें एक इसका डुप्लीकेट भी तैयार कर लिया और उस पाथ को सिलेक्ट भी कर लिया इसका फिर एक तरीका ये होता है कि अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि लेयर्स हैं चैनल्स हैं और साथ पाथ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है तो पाथ सबसे पहले हम यहाँ पे सेव करते हैं तो सेव कर देंगे इस पाथ को और पाथ वन के नाम से ये सेव हो जाता है जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो उस उसके बाद ये होता है कि आप यहाँ पर न्यू पाथ ले लेते हैं जैसे ही आप न्यू पाथ लेते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक नया ब्लैंक जो है वो पाथ आपके पास मौजूद होता है तो अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई दूसरी शेप लेते हैं और उस पर भी हम टूल्स को अप्लाई करके देखते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि कस्टम शेप हम कोई ले लेते हैं जैसे ही आप कस्टम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ टॉप पर आप देखें तो आपको यहाँ पर कुछ शेप्स बनी बनाई नज़र आती हैं वो आप ले सकते हैं आप चाहें तो इनमें से किसी शेप का भी आप इंतख्य कर सकते हैं और फ़र्ज़ करें कि मैं इस एक शेप का इंतखा करता हूँ इसको जब मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो आप ये देखें कि इस तरह की ये शेप बन जाती है अब हमने ये करना है कि यहाँ पे इन टूल्स का पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं तो अब पाथ जो सिलेक्शन टूल है उसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इस पूरे पाथ को सिलेक्ट कर सकता है जैसे मैंने पिछली आ, मैं डुप्लीकेट करके दिखाया वो भी आप कर सकते हैं लेकिन आ, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन का कुछ करते हैं तो अब देखें डायरेक्ट सिलेक्शन में जब आप यहाँ पर आते हैं तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप चाहें तो इसके जो इसकी शेप में तब्दीली ला सकते हैं ये देखें जैसे कि मैं इसकी शेप में तब्दीली लाना चाह रहा हूँ तो वो आसानी से कर पाता हूँ तो ये इसका जो नीचे वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से हम करते हैं तो इसमें ये होता है कि आप इसकी शेप को जिस तरह से जो अवेलेबल आपके पास शेप्स हैं जैसे कस्टम में मौजूद हैं तो इसमें बहुत सारी जो शेप्स आपको आपने यहाँ से देखी हैं तो उनको उनमें आप जिस तरह की चाहें आप चेंजेस ला सकते हैं इस जो जो पाथ हमारे पास मौजूद है जो इमेज हमने ड्राइवर किया है इस पर हम ऐसा काम करके देखते हैं कि फर्ज करें कि हम इसमें से यहां पर सिलेक्शन टूल ले लेते हैं सिलेक्शन का टूल लेंगे तो अब ये सिलेक्ट तो हो जाएगा अब सिलेक्शन का फायदा क्या है अब हम इसमें कोई कलर भरना चाहते हैं इसको कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो हम इसमें आसानी से दे सकते हैं राइट क्लिक करता हूं तो अब यहां पर देखें सबसे ऊपर आप देखें डिलीट पाथ आपको नजर आ रहा है आप चाहेंगे डिलीट पाथ पर करेंगे तो ये सारा पाथ डिलीट हो जाएगा मेक सिलेक्शन करना चाहेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और अगर आप इसमें कुछ फिल करना चाहते हैं तो पाथ में आप फिल भी भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मौजूद है और बैकग्राउंड याद रखें कि ये जो दो कलर आपको नज़र आते हैं ये फोरग्राउंड कलर सामने वाला है और बैकग्राउंड कलर रेड है हमारा अगर मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर लूँ तो ओके कर दूँ तो आप ये देखें कि इसने ये इसने ये सारे का सारा बैकग्राउंड ग्राउंड पर कलर चेंज कर दिया है लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो इमेज है जो पाथ है उसके अंदर हम मैंने अगर अगर रेड कलर लेना है तो फिर क्या करना चाहिए तो मुझे कंट्रोल जेड करता हूं मैं और यहां टॉप पे आप देखें कि आपको यहाँ पे जो कुछ सिलेक्शन है वो हमने ये वाली ली थी सेकंड वाली अगर मैं फ़र्स्ट वाली सिलेक्शन ले लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और फिल पाथ करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर से कर लूँ या फोरग्राउंड फोर कलर से कर लूँ तो ओके करता हूँ मैं तो आप ये देखेंगे जस्ट इसने सिर्फ वही हिस्सा सेलेक्ट किया यहाँ उससे फिल किया है जो यहाँ पर हमारा जो पाथ बना हुआ था उसने साइडों वाले एरियाज़ को नहीं किया तो इसी तरह से मैं अब इसको कंट्रोल जेड से इसकी आ, पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ उसके बाद में अब देखें कंट्रोल जेड से मैं बैक पर आ जाता हूँ अब यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ जो कि हमारी ये सिलेक्शन हुई हुई है तो अब मैं फिल पाथ को यहाँ पर स्ट्रोक भी कर सकता हूँ अभी देखें स्ट्रोक अप्लाई करें पेंसिल का तो स्ट्रोक इस तरह से बन जाएगा आपका और फिर इसी तरह से कंट्रोल जेड से मैं बैक पर आता हूँ तो ये चूँकि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फिल पाथ में आप, आप चले जाएँ तो यहाँ पर आप ये देखें कि आप पैटर्न भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो पैटर्न में आपके पास यहाँ पे मौजूद है ये एक पैटर्न है मुख्तफ तरह के तो मैं फ़र्ज़ करो कि ये जातून वाला पैटर्न है इसको मैं लेता हूँ ओके करता हूँ तो आप ये देखें कि वो फिल हो गया अगर इसकी जगह आप कोई दूसरा पैटर्न लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं फिल पैटर्न में आप चले जाएँ पैटर्न आप चेंज कर लें अपना तो आप ये देखें ओके करते हैं तो आप ये देखें इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है जब इसके अंदर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है बाहर क्लिक करते हैं तो इसका ये अनसेलेक्ट हो जाता है तो आपने ये देखा कि इसमें आपने शेप्स को भी अप्लाई करके देखा मुख्तलिफ शेप्स हैं आपके पास और उसके बाद आपके पास जो कस्टम्स शेप्स हैं वो भी आप, आपने समझ लिया कि किस तरह उनको हम ला सकते हैं और पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं बस सिंपली आपने याद रखना है कि पाथ सिलेक्शन सिर्फ पाथ को सिलेक्ट करने के लिए हमारे काम आता है पाथ का डुप्लीकेट हम बना सकते हैं की को प्रेस करके और दूसरा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से हम उस जो अवेलेबल आपके पास शेप्स हैं उसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम अल्लाम मैं हूँ ज़ावान और डॉ फ़ोटोशॉप में अब हम टाइपिंग की तरफ आते हैं कि जिस वक्त हमें टाइपिंग करना पड़ती है तो उसके कुछ स्टाइल्स होते हैं जिन में ऑरजेंटल भी हम टाइपिंग करें ज़रूरत होती है वर्टिकल भी होती है और फिर उसमें हमने कुछ मास्क भी इस्तेमाल करने होते हैं तो वो टूल हमारे पास ये वाला है इसे हम अप्लाई करके देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें से औरजेंटल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल को हम कवर कर लें कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम कोई नई फाइल ले लें और नई फाइल जब हम लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे इसमें हम टाइपिंग का जो टूल है उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप ये देखें औरजेंटल टाइप टूल जो हमारे पास है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब औरजेंटल टाइप टूल जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देखें फ़र्ज़ करें कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ गोर अवान टी चलें ये मैंने लिख दिया है अब आप ये देखें कि यहाँ से मैं इसको अगर ड्रैग करके ला सकता हूँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने आटो सलेक्ट लेयर किया हुआ है तो फिर आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती है जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो उस वक्त वो बार दफ़ा ये करता है कि आपकी लेयर्स जो है ना उसको उसकी सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आता है तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर भी चेंज हो जाता है इस तरह से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से आप छोटा या बड़ा जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं तो इस तरह से ये होता है कि आप इस टूल का अप्लाई यहाँ पे आप करते हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं तो अब ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि आटो सेलेक्ट लेयर को आपने सेलेक्ट नहीं करना उसमें आपको ये होगा कि ये खुद सिलेक्शन नहीं करेगा क्योंकि आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो मैनुअली आप जिस लेयर को चाहेंगे आप सेलेक्ट कर पाएंगे तो अब यहाँ पे ऐसा है कि मैं फ़र्दर जो है ना दूसरा जो टूल है यहाँ पे साथ में वर्टिकल टाइप टूल उसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको तो अब जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि इस पर भी हम यही करते हैं है ज़रूर आमान टीवी तो अब आप ये देखें कि इसमें भी मैं ड्राई करके नीचे लाता हूँ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइड पर आपको जो आ, जब भी आप आ, काम करते हैं तो आपको मुख्तलफ़ लेयर्स यहाँ पे बनी हुई दिखाई देती हैं जो लेयर आप एक्टिव होती है उसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है जो एक्टिव नहीं होती उसका बैकग्राउंड ब्लू नहीं होता तो आप जो लेयर है उसे फ़र्श करें कोई किसी लेयर को आप गायब करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि एक, एक टेक्स्ट जो है ना सिर्फ एक में आप काम करें दूसरा गायब हो जाए तो आप आई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से वो आ, लेयर हमारी गायब हो चुकी है अब मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये जाहिर हो चुकी है यहाँ पे इसी तरह से अब जब दूसरी जो लेयर आपके सामने है इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा यहाँ से गायब हो गई है और इसी तरह से इसको हम आ, ले आए हैं फिर यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पे एक लेयर लॉक की हुई है तो लाक के पर जब आप अपने डबल क्लिक आप करते हैं तो ओके कर देते हैं तो ये वो अनलॉक हो जाती है तो ये कुछ लेयर्स भी ज़रूरी हैं समझने के लिए तो इस तरह से फ़र्ज़ करें कि मैं इस लेयर पे काम करना चाहता हूँ तो आप ये देखें मेरी ये लेयर कौन सी है ये वाली है तो इस लेयर पर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर आप ये देखें कि मैं इसी टाइप टूल को सेलेक्ट करूँगा और इस पर जो ट... टाइप का जो टूल है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पर कोई स्टाइल अप्लाई कर दूँ तो आप ये देखें जैसे ही मैं स्टाइल्स में से किसी पर क्लिक करता हूँ तो वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई होता हुआ आपको नज़र आता है अब यहाँ पे देखें जिस स्टाइल पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होता हुआ आपको दिखाई देता है अब यहाँ पे ये जो आपको आइकन नज़र आता है इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप जो स्टाइल अप्लाई हुए होते हैं वो आपके यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरह ये चीज़ें आपने दो टूल देखे हैं फिर आप यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता चलूँगा आपको कि ये जो एफ़ का फंक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसे हम स्टाइल बोलते हैं यहाँ पे एड अ स्टाइल लेयर तो अब आप ये देखें कि इस को जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसके बहुत से जो है ना वो स्टाइल्स यहाँ पे सामने आते हैं फ़र्ज करें कि आप मैं कलर ओवरले पे जाता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे जैसे ही मैं कलर ओवरले पे आता हूँ तो यहाँ पर एक बक्स जो है ना मेरे सामने ओपन होता है और उसमें कलर सेलेक्टेड है मैं इसको ब्लू करता हूँ तो आप ये देखेंगे ओके कर देता हूँ तो आप ये देखें कि इसका कलर जो है ना मेरी इस लेयर का चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है जो जितने भी स्टाइल अप्लाई करूँगा वो इसी लेयर पर अप्लाई होंगे और फ़र्श करें कि मैं इसको जो है ना स्ट्रोक देना चाहता हूँ तो स्ट्रोक पर जब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि ये कह रहा है कि स्ट्रोक का जो स्टाइल है वो इस तरह से होगा आउटसाइड आप देना चाहते हैं और उसका जो उसकी जो वेट्थ है वो 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 भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं तो ये देखें जैसे मैं वो ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये भी ज़्यादा हो रहा है और इसको मैं कम करता हूँ तो ये कम होता जा रहा है आउटर है आप इसको इनर भी कर सकते हैं इनसाइड शो होगा और आउटसाइड भी आप इसको शो करवा सकते हैं इसकी ओपेसिटी है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं कि इसकी जो शिदत है कलर्स की वो आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं ये देखें आप जैसे मैं इसको कम ये ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है इसी तरह से इसका जो कलर है वो आप चाहें तो वो उससे भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ से चेंज हो जाता है तो इस तरह से आप काम करते हैं फिर उसके अलावा आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं कि जैसे कि ड्रॉप डाउन शेडो है वो आप देना चाह रहे होते हैं तो वो भी आप दे पाते हैं कि किसी भी ये, ये हम दूसरे दूसरे दूसरी लेयर पर काम करके उसको करके दिखाते होंगे कि जैसे ये दूसरी लेयर है हमारी तो इस पर अगर आप हम इसको अप्लाई करें ड्राप डाउन को तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो इसका जो ड्राप डाउन आपको शेडो यहाँ पे नज़र आ रहा है तो अब इस शेडो का कलर भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पर इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आता है फिर इसकी जो ओपेसिटी है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है ये देखें कम या ज़्यादा हो रही है फिर इसका जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ से आप घटा या बढ़ा सकते हैं ये आपने देखा फिर स्प्रेड आप कर सकते हैं इसको देखा मैंने इसको स्प्रेड कर रहा हूँ ये बढ़ रहा है फिर साइज़ इसका कटा या बढ़ा सकते हैं आप ये देखें साइज़ इसका बहुत बढ़ रहा है लेकिन इसमें हमें वो पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है लिहाजा हम इसका साइज़ कम कर देते हैं इसके अलावा भी यहाँ पर इसके कुछ मुख्तफ स्टाइल्स हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने में मिलता है तो जो का जो चीज़ जो स्टाइल आपको चाहिए होता है वो आप यहाँ पर लाने में कामयाब होते हैं और इसके बाद ये होता है कि आप ने जो जो हमारा जो बैकग्राउंड है जो जो ज़ीरो लेयर है जीरो लेयर का मतलब हमारा बैकग्राउंड होता है तो ये जो इसका जो बिल्कुल बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो चुका है अब इस पर अगर हम फ़र्ज़ करें कि इसका कोई बाडर लगाना चाहते हैं हम तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं वो किस तरह से लगाएंगे इसी तरह से इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस फंक्शन को लेयर फंक्शन के में हम स्ट्रोक पर चले जाते हैं स्ट्रोक पर जैसे ही हम जाते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर आउटर साइड या इनर साइड की तरफ हम लगाते हैं एक बार्डर लगाते हैं और इसके में पिक्सल हम सेट कर सकते हैं नॉर्मली हम एक पिक्सल सेट करते हैं जिसमें छोटा छोटा बार्डर नज़र आता है लेकिन चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए हम इसको थ्री सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए तो आप ये देखें कि इसमें जो है वो एक बार्डर आपको लगा हुआ नज़र आता है एक के बात का और ध्यान दें कि जब इस तरह से आप सेव करेंगे डायरेक्ट तो आपकी ये सारी लेयर्स जो है ना वो बिखरी हुई नजर आएंगी तो चूंकि इमेज काफ़ी हैवी हो जाता है तो उसके लिए एक तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेयर पर आप जाएंगे तो लर्न लेयर को जो है आपने मर्ज विज़िबल कर देना है तो इस लेयर्स जो है ना आपकी सारी की सारी मर्ज हो जाती हैं यहाँ पे। लेयर्स जब मर्ज होती हैं तो आपका जो इमेज है उसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा हो जाता है तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं फाइल पे जाते हैं और उसके बाद आप सेव करते हैं और सेव में आपको कई ऑप्शन मिलते हैं जे पैक जो बाई डिफ़ाल्ट हमारे सामने जाहिर हुआ है ये बहुत अच्छा होता है आमतौर तो पर इमेज इसमें सेव होते हैं लेकिन आप चाहें तो इसमें मुख्तलिफ जो हैं और भी हैं जिसमें जिप फार्मेट भी है पी एन जी भी है और इसके अलावा भी आपको ये जो नज़र आ रहे हैं फोटो भी है पी एस डी और वगैरह इस तरह के बी एम पी भी हैं तो ये जितने भी हैं इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन चूँकि हम कोई नाम देते हैं और जे पैग चूँकि इमेज में यही यूज़ होता है तो हम इसको टेस्ट का नाम देके तो उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसको हम सेव कर देते हैं तो आपने ये देखा कि हम इसकी जो यहाँ से हम से क्वालिटी पूछता है तो हम इसकी क्वालिटी जो है ना वो मैक्सिमम रख लेते हैं ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का इमेज मिले तो ओके कर देते हैं तो इस तरह से हमारा ये इमेज है वो सेव हो जाता है जहाँ हमने डेस्कटॉप पर सेव किया सेव यहाँ पर हो चुका है अब ये देखें तो ये आपके सामने ये इमेज ओपन हो गया है तो इस तरह से हमने इसको सेव भी किया आपने देखा कि इसकी जो हमने जो बार्डर था वो भी लगा दिया है और हमने इसमें जो फेक्ट्स देना थे स्टाइल देना थे वो भी हमने दे दिए हैं बहुत शुक्रिया है मेरी वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया बसमीम अल्लाम फोटोशॉप में अब हम पढ़ेंगे औरजेंटल टाइप मास्क टूल या फिर वर्टिकल टाइप मास्क टूल दोनों का फंक्शन एक ही तरह का है बस हम ऐसा करते हैं कि हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो जिस पर आप काम कर सकें मेरे पास एक बनाना का लीफ है मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर इसको अप्लाई करके देखूँ आपने एक बात का ध्यान देना है कि जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करें तो उसके बाद आपने अपने माउस की मदद से यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग करना है जिस तरह से आप रेक्टेंगल आप ले रहे हों तो अब उसके बाद आपने इसको छोड़ना तो जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो ये इसका कलर इस तरह का हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं तो अब उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं जैसे कि मैं इसमें लिख देता ए ए ए एन एन बनाना लीव। तो आप ये देखें कि जिस तरह से मैंने इसमें लिखा तो अब यहाँ से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अब जब स्टाइल जब ये पोजीशन बन जाएगी तो उसके बाद आपने ये काम करना है कि ये जो ऊपर आपको चेक नजर आ रहा है इसको आप क्लिक कर देंगे जैसे ही आप इस, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये जो बनाना लीफ है वो इस तरह इसकी जो मेरा जो टाइपिंग की हुई थी उसकी इस तरह की सिलेक्शन आपको नजर आएगी अब आपने यहाँ पे करना है कंट्रोल जे को प्रेस करना है जैसे ही आप कंट्रोल जे करेंगे तो आप आ, का ये इफेक्ट बन जाएगा आप ये देखें कि जैसे ही आपने कंट्रोल जे किया तो यहाँ पर एक नई लेयर बन गई है लेकिन उस लेयर का जो है वो आ, आ, उसमें वो लिखा हुआ तो है लेकिन हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो अब यहाँ पे आपने ऐसा करना है कि ये जो नीचे आपको आ, लेयर के जो स्टाइल्स हैं उन आ, पे जाना है तो यहाँ पे हम ड्राप शेडो में जाते हैं तो आप ही देखें जैसे ही मैं ड्राप शेडो पे गया तो यहाँ पर आप ही देखें कि वो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ के स्टाइल्स हैं आ, इसको हम हटा दें इस पर क्लियर कर दें तो इस तरह का लिखा हुआ आपको नज़र आएगा फिर उसे उससे हटा दें तो ये इसकी शक्ल इस तरह से भी हो सकती है और ये आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा तो आपको जो चीज़ अच्छी लगे जिस तरह से भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं तो इस तरह से आप इसके मुख्तलिफ जो स्टाइल हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और किस तरह से आप उसमें तब्दीली भी ला सकते हैं तो ये मुख्तलिफ इसका जो काम है वो बात अगर इस तरह से आपको पसंद है तो आप इसको भी कर सकते हैं और यही है इसमें मजीद इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको बताया जाए बाकी ये है कि इसके आप कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं वो उसके भी जो जो कलर ओवरले है वहाँ पे जाके आप इसको इसके कलर अगर, अगर आप इसका चेंज करना चाहें तो अभी आप, आप चेंज कर सकते हैं तो अब जब इस कलर पे क्लिक करते हैं तो उसका फिर एक तरीका ये भी होता है कि आप जो ये टूल है इसको आप उठा लें तो जैसे ही आप इस टूल को उठाते हैं तो आप ये देखें कि जहाँ जहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये काम करता है तो ये जो टूल है ये ये आ, आ, आई ड्रापर टूल है इसकी मदद से आप इसका भी जो जो कलर भी आप जहाँ से भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कल उस कलर का इफेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आता है बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा बसमीलर रिम्स अल्लिकम मैं हूँ ज़ूरवान और एडो फ़ोटोशॉप में अब हम इस्तेमाल सीखेंगे पेन टूल का और पेन टूल जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका आज हम इस्तेमाल करेंगे इससे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि पेन टूल में यहाँ पर आपको फ़र्दर कुछ मज़ीद टूल्स भी नज़र आते हैं जिनमें पेन टूल है फ्रीडम पेन टूल है एड एंकर पॉइंट टूल है डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल यहाँ पर आपको नज़र आता है अब सबसे पहले हम इसको पेन टूल को हम यूज़ करेंगे और उसका तरीका यह है कि सब अब हम इसको जूम इन कर लेते हैं जैसे कि आप इसको जूम इन करते हैं तो ये आपके जो है वो सामने बड़ा होकर आ जाता है और इसकी फिर सिलेक्शन लेनी आपकी आपके लिए आसान हो जाती है तो अब यहाँ से जब हम पेन टूल को हम सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं इसको इसकी सिलेक्शन लेता जा रहा हूँ तो आप देखें कि जिस पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ तक स्ट्रेट सिलेक्शन होके आ जाती है अगर बाज़ा ये भी होता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है हम एक सिलेक्शन हमारी गलत डायरेक्शन की तरफ चली जाती है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम दोबारा इस पेन की टूल पर जाएंगे और यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर आके इस आखिरी कोने पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि वो लाइन जो हमारी वो ड्रा हुई होती है वो डिलीट हो जाती है तो आपने ये देखा कि इस तरह से हम इस इस पॉइंट की मदद से हम इसको डिलीट कर पाते हैं तो पेन टूल हम दोबारा लेते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं आप ये देखते चले जाएं कि जिस तरह से मैं इसकी सिलेक्शन लेता जा रहा हूं ये सिलेक्शन हमारी होती जा रही है तो जब मैं इसकी सिलेक्शन कंप्लीट कर लूँगा तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका करना क्या है अब हमारी सिलेक्शन बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब है आप ये देखें कि मैं बिल्कुल अपने इनिशियल पॉइंट पे आ चुका हूँ अब इस हालत में हमारी जो सिलेक्शन ये हमारा जो पेन की वजह से हमने तो लाइन ड्रा कर लिया है लेकिन ये हमारी सिलेक्शन हुई नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए का तरीका ये होता है कि मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप बहुत से ऑप्शन हैं डिलीट आप पाथ डिलीट पर करेंगे तो जितना हमने पाथ लिया ये डिलीट हो जाएगा डिफ़ाइन कस्टम शेप भी आप इस तरह की आप डिफ़ाइन कर सकते हैं मेक सिलेक्शन जो हमारा है उसको हम करेंगे सबसे पहले हम मेक सिलेक्शन इसलिए करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही हमारा टूल इस्तेमाल में होता है बाकी भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा तो मैं इसे ये प्रैक्टिस आपको करके दिखाता हूं ओके करते हैं तो आप ये देखें कि इसकी सिलेक्शन हो चुकी है इस हालत में आप मूव के टूल पर ले जाकर आप इसको यहां से मूव भी करवा सकते हैं लेकिन होता यह है कि आपने इसको यहाँ से हम इस इस हालत में हम इसको मूव नहीं करवाते बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका ये होता है कि आप सिलेक्ट के टूल में चले जाएँ और वहां से आप इनवर्स को सिलेक्ट कर लें जैसे ही आप इनवर्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि आपका जो अब अब इसकी जो सिलेक्शन है ये एप्पल की सिलेक्शन नहीं रही बल्कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वहां से लेकर यहां तक की सिलेक्शन हो चुकी है अब आप ये देखें लेकिन अगर आप इस हालत में आप डिलीट करना चाहें मैं की से की डिलीट की को प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट नहीं होता उसकी वजह क्या है कि हमारी ये जो की है ये जो, ए, ये जो ए, हमारी लेयर है ये हमारी लॉक है तो अब इस पर राइट इस पर डबल क्लिक करते हैं हम डबल क्लिक जैसे ही करते हैं तो आप ये देखें कि आपके सामने ये एक नया बॉक्स ओपन होता है इस पर आप ओके करते हैं तो आपकी यहाँ से ये लेयर जो है वो आ, वो आ, वो आ, वो अनलॉक हो जाती है तो जैसे ही आपकी लेयर अनलॉक होती है तो उसके बाद आप अगर कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करते हैं तो आप ये देखें कि इसका जो बैक है वो रिमूव हो चुका है अब कंट्रोल डी आप करते हैं तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद आप जूम के के टूल पर जब क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद आप माइनस वाले जो टूल पर जब क्लिक करेंगे आप ये देखें कि जिस तरह से आपका जो ये माइनस है ये जूम आउट होता चला जा रहा है अपनी औरिजिनल पोजिशन में चला गया है तो इस तरह से आप इस पर काम करते हैं दूसरी आ, दूसरा जो है अब हम दोबारा इसी एप्पल को ले लेते हैं और मैं फिर दोबारा इसको जूम करके दिखाता हूँ ये देखें ये जूम इन हो रहा है अब उसके बाद में यहाँ पे पेन का जो दूसरा टूल है फ्रीडम पेन टूल इसका मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ जैसे आप इसको सेलेक्ट करें तो आप ये देखें इसके साथ एक मैगनेट आपको नज़र आ रहा है तो आ, मैगनेट आ, का ये फ़ायदा है कि ये ख़ुद ब खुद आटो सलेक्शन ले लेता है आ, अब लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ऊपर ये जो मार्क है आपको नज़र आ रहा है इसमें आपने सबसे ये काम करना है कि इसको अनचेक नहीं करना ये चेक होना चाहिए उस उसका फिर तभी ये वर्क कर पाएगा तो उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी मैं आपके सामने जैसे 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 सलेक्शन लेता जा रहा हूं आप ये देखें कि ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी सिलेक्शन खुद ब खुद लेता जा रहा है मुझे इसके लिए किसी जगह पे पॉइंट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है ये ऑटोमेटिकली अपनी ये सिलेक्शन लेता हुआ आगे बढ़ रहा है तो आप ये देखते चले जाएंगे अपनी सारी सिलेक्शन मुकम्मल कर लेगा लेकिन जैसे ही आप इनिशियल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ये अब यहां से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अब उसका तरीका ये होता है कि मैं जो है वो ये देखें मैं ऐसे करता हूँ तो ये इसको छोड़ नहीं रहा अब यहां पे मैं कीबोर्ड से से प्रेस करता हूँ तो आप देखें किसने इसको छोड़ दिया है अब होता यह है कि अब यह सिलेक्शन उसी तरह की हो गई है जैसे हमने पहले ली थी अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि सिलेक्ट इस, इस पर राइट क्लिक करते हैं और मार्क सिलेक्शन को ओके कर देते हैं तो जैसे ही ओके किया तो अब ये सिलेक्शन हमने ले ली है अब इसके तरीका ये है कि आप इन्वर्स सिलेक्शन लेंगे इन्वर्स का तरीका वही है कि आप सिलेक्ट पे जाएंगे इनवर्स पे क्लिक करेंगे तो अब इन्वर्स की सिलेक्शन हो चुकी है यानी कि जो उसकी जो बाउंड्रिंग एप्पल को छोड़ के जो साइड एरियाज़ हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन अब हमने करना क्या है उसी पहले की तरह यहाँ पर हमने डबल क्लिक करना है और लेयर को अनलॉक करना है जब लेयर को अनलॉक करेंगे तभी हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड डिलीट कर पाएँ तो आपने ये देखा कि इसका बैकग्राउंड डिलीट हो गया है कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ और फिर उसके बाद जूम के टूल पर चला जाता हूँ और फिर जो माइनस है उस पर क्लिक किया तो मैंने आपको बता देखें कि ये अपने आ, असल पोजिशन में चला गया है और इसकी जो सारी जो है बैकग्राउंड वो भी रिमूव हो चुका है अब मैं आपको इसकी जो दीगर जो तो, पेन के अंदर जो फर्दर टूल हैं जिसमें एड एंकर टूल और डिलीट एंकर तो आप देख चुके हैं और कन्वर्ट पॉइंट टूल इनको हम इस्तेमाल करके देखते हैं आ, तो अब नई फाइल में ले लेता हूँ आपके ले सामने आप ही देखें कि नई फाइल में मैं सिक्स हंड्रेड पिक्सल और फिर सिक्स हंड्रेड ले लेता हूँ और उसके बाद ऐसा करता हूँ कि मैं आपके सामने एक सिंपल पेन से मैं एक 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 पाथ ड्रा करता हूँ आप ही देखें कि सिंपल पाथ ड्रा हो गया है तो अब इसमें अब अगर फ़र्ज़ करो कि हम इसका जो एड एंकर पॉइंट है वो अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो आप ही देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि जब मैं इसके करीब लेके आता हूँ तो आप ये देखें कि, तो कि यहाँ पे प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि इसमें तीन पॉइंट को उसने सेलेक्ट कर लिया है अब इसको मैं ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ आप ही देखें कि इसके हैंडल्स भी हैं जिनको वो इस तरह आप जैसे शेप आप चाहें रिमूव करवा सकते हैं अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें कि इसको भी मैं आगे ड्रैग करके ले जा सकता हूँ तो इस तरह से ये होता है कि आपकी जो सिलेक्शन है उसमें आप फर्दर एडिशन कर पाते हैं तो अब क्या होता है कि अब हम दोबारा इस टूल पर जाते हैं और डिलीट एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे अपनी जो जो हमने सिलेक्शन एडिशनल ली थी वो उसने डिलीट कर दी है तो इस तरह से आपने इन पेन पेन टूल का इस्तेमाल करके देखा फ्रीडम पेन टूल का इस्तेमाल हो गया एड एंकर भी आपने करके देख लिया डिलीट भी करके देख लिया और उसके बाद आप कन्वर्ट पॉइंट जो है वो इसको हम करके देखते हैं तो आप ये देखें कि जैसे आप इस पर आते हैं तो आप फर, फर्दर इसमें आप एडिशन कर पाते हैं आप ये देखें कि जैसे जैसे आप इसको मूव करवाना चाहते हैं आप इसमें फ़र्दर आप इसको मूव करवा सकते हैं तो ये इसका जो लास्ट वन पॉइंट है कन्वर्ट पॉइंट तो इसमें आप जि जिस तरह से भी आप इसके हैंडल्स है आपको यहाँ मिल जाते हैं तो उसको आप उनकी मदद से आप इसको जिस तरह से चाहें आप कन्वर्ट करवा सकते हैं तो ये था हमारा जो है पेन का टूल पेन का टूल आपने इस्तेमाल करके देखा आ, तो ये सारे के सारे इसके जो डाउन मैन्यू में जितने भी थे वो हमने इस्तेमाल करके देख लिए हैं बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए नगिबान बसमिलकुम मैं हूँ ऊहूर और आप देख रहे हैं हूर टीवी. टी वी और अब हम बात करेंगे एडो फोटोशॉप में जो हमारे पास जो टूल्स हैं जिनमें एक नोट्स टूल है और दूसरा आडियो इनोटेशन टूल तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि नोट्स का मतलब ये होता है कि आप कोई नोट्स ले रहे हैं और आप कोई टेक्स्ट फॉर्म में कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं इसकी इस टूल की मदद से और दूसरा जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इसका ये लिखा हुआ है आडियो एनोटेशन टूल और आडियो जैसा कि आवाज़ को कहते हैं आप जानते हैं और एनोटेशन का मतलब होता है कोई तफसर कोई वजहत आप इसमें रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इन टूल्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन चलो आ, टूल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं तो हम इन्हें इस्तेमाल करके देखते हैं अब यहाँ पर नोट्स टूल पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें जैसे ही मैंने नोट्स टूल पर क्लिक किया तो एक नोट्स की शक्ल में यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया है मैं इस पर कुछ नोट करता हूं। आप ही देखें, मैं क्लिक करता हूं तो ये गायब हो जाता है अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ओपन नोट जब जैसे ही ओपन करूंगा तो मुझे ये अपना पूरा नोट जो कुछ इसमें लिखा होगा वो नजर आएगा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बिल्कुल अब इसके बाद मैं यहां पर ऑडियो एनोटेशन टूल है मैं उसको इस्तेमाल करके देखता हूँ अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि मेरे जो आ, माउस की जो कर्सर है उस पर मुझे आ, एक स्पीकर बना हुआ नज़र आता है तो बस का मतलब यह है कि ये आडियो एनोटेशन टूल एक्टिव हो चुका है अब यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो एक आडियो एनोटेशन का एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आती हैं कि आप स्टार्ट पर क्लिक करें और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दें तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करके कुछ बोलूँगा जो कि रिकॉर्ड हो जाएगा बिसमिल्ला रहीम अलकुम मै हूँ ज़ूरवान और आप देख रहे हैं अडोफ फोटोशॉप का ट्यूटोरियल अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया अब हम इसको प्ले करके देखते हैं अब ये देखें यहाँ पर जब मैंने राइट क्लिक किया तो प्ले पर क्लिक करता हूँ बिसमिल्लामरिम असलमकुम मैं हूँ ज़ूरावान और आप देख रहे हैं अडोफ फोटोशॉप का ट्यूटोरियल अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई तो आपने देखा कि जो रिकॉर्डिंग हमने की थी वो इसमें हो गई है अब जब ये रिकॉर्डिंग हो जाती है तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि इसको आप यहाँ पे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं जो अभी आपने रिकॉर्डिंग की है अगर सारी और भी कई जगह पर रिकॉर्डिंग किया तो सारी की सारी आप डिलीट कर सकते हैं तो इस तरह से आर नोटेशन जितनी भी आप ये ये भी आप डिलीट करना चाहें तो इसे भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं सिर्फ एक को भी कर सकते हैं और सब इस तरह के नोट्स अगर यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी डिलीट कर सकते हैं अब प्रॉब्लम होता है सेव करने में अब जब आप इसको सेव करेंगे तो जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि बाई डिफ़ॉल्ट आपके सामने एक ऑप्शन एक ऑप्शन आता है सेव करने का वो क्या आता है आप देखें यहाँ पे मैं सेव करता हूँ सेव एज़ कर देता हूँ इसको जैसे मैंने सेव ए, सेव एज़ किया तो आप ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ देता है कि फ़ोटोशॉप का जो अपना फार्मेट है पी और या उसको पी डी डी भी बोलते हैं तो इस फार्मेट में यहाँ पर एनोटेशन एक्टिव है ये सेव हो जाएगा जब इसे हम ओपन करेंगे तो तब भी ये फ़ोटोशॉप में ही ओपन होगा और तब भी हम इसको सुन पाएंगे अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर इसका फार्मेट चेंज करता हूँ ये जो है अगर मैं इसको जिप फार्मेट में ले जाने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखें कि ये हम आपका जो एनोटेशन है ये एक्टिव नहीं हो रहा और यहाँ पे आपको येलो साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके बाद अगर मशहूर जो हमारे पास होता है जे पैग उसमें हम करते हैं तब भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो आपने ये देख लिया कि इसके अलावा जो भी आप करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जस्ट आप फोटोशॉप पी एस डी आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उस वक्त ये एनोटेशन एक्टिव होंगी और फिर आप सेव भी कर पाएंगे तो इसका ये होता है कि आप जब सेव हैं तो फिर आप जब ओपन करेंगे तो फ़ोटोशॉप में ही आप इसको ओपन कर पाएंगे आ, तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका बस्मीम्स मैं हूँ ज़ौरवान और एडो फ़ोटोशॉप में अब हम पढ़ेंगे आ, जो हमारे पास यहाँ पे टूल हैं यहाँ पे टूल बॉक्स में जिनमें आप देखते हैं कि आई ड्रॉपर टूल है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कलर सिंपलर टूल है और मैयर टूल है ये तीनों टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप डो फोटोशॉप के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन टूल्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर आना चाहिए इनको स्किप करना किसी तरह से भी ठीक नहीं है तो सबसे पहले और ये बहुत सिंपल है इन्हें सीखना बहुत आसान है और अभी हम इस छोटे से ट्यूटोरियल में तीनों टूल्स को कवर कर लेंगे सबसे पहले हम आते हैं आई ड्रापर टूल के बारे पर तो सबसे ये एक ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से आप किसी जगह से एक कलर जो है वो सक कर लेते हैं उसको चूस लेते हैं फिर उस कलर को अपने ब्रश के ज़रिए या पेंसिल टूल की मदद मतलब से किसी दूसरे का आप अप्लाई कर देते हैं यह एक सिंपल सा इसकी इसका इसका तरीका है अब अब मैं ऐसा कहता हूँ जब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ पर जो मेरे पास जो कलर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ, मैं यहाँ से पिक करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो तो अभी आप कि यहाँ पर आपको कलर नज़र आ रहा है टॉप पे जो फोरग्राउंड कलर है यहाँ पे अगर फर्स्ट करें मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कलर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे मैं किसी कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यह कलर यहाँ से चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह से आप जिस जगह भी क्लिक करते हैं यहाँ से अगर मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पर रेड कलर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है लेकिन आप जो कलर भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फर्ज करें कि अभी मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है अब मैं ब्रश टूल की मदद से इसको अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि जिस जगह पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वही कलर मेरा अप्लाई रहा है अब फर्ज करें कि मैं यहां से जो है ना वो इस आई ड्रापर टूल की मदद से मैं इस ग्रीन कलर को पिक करता हूं जैसे मैंने पिक किया और अब इसको मैं यहां पर ब्रश टूल की मदद से मैं इसको यहां पर अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें कि जो कलर मैंने वहां से पिक किया था वो यहां पर अप्लाई भी हो जाता है तो ये एक तरीका बहुत सिंपल टूल है लेकिन इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है कि इसलिए आपको कोई कलर तलाश नहीं करना पड़ता फर्ज करें कि अगर आपको मैनुअली कलर तलाश करने पड़े कि मेरा उस तरह का कलर कौन सा है तो आपको यहां पे बहुत मुश्किल पेश आएगी कलर्स को तलाश करने में तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि आप जो है जस्ट ए, इस आई ड्रॉपर टूल की मदद से जो कलर मौजूद है एज इट इज वो कलर उठा के दूसरी का आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये टूल आपने सीख लिया उसके बाद जो दूसरा टूल है कलर सिंपलर टूल जैसे कि आप किसी चीज़ के सैंपल्स लेते हैं नमूने ले रहे होते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे पास देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से कलर्स है कि नमूने कौन कौन से हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं फर्स्ट करें कि जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप, आप यहाँ पर देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस राइट साइड पर जो मेरा जो पैलेट है उस पर उसको भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखें जब भी आपके पास जो कलर होता है तो यहाँ पर वो कलर्स आपको चेंज होते नज़र आते हैं जैसे जैसे आपके सामने मैं कलर्स पर घुमा रहा हूँ तो आप ये देखें आर जी और बी की वैल्यू चेंज होती है आपको नजर आती है अब होता क्या है कि बेसिकली ये जो आर है ये इससे मुराद होता है रेड और जी से मुराद होता है ग्रीन और बी से मुराद होता है ब्लू अब ये जो भी कलर्स आपके पास मौजूद होते हैं वो आम तौर पर आ, आर जी और बी का ही कम्बिनेशन होते हैं जैसे कि आपका रेड कलर ग्रीन और ब्लू अब इन कलर्स को जब आप मिक्स करते हैं अगर आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखें कि कलर मिक्सर किस तरह से मिक्स करके नए कलर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन तीन कलर्स की मदद मतलब से फर्दर कलर्स भी बनाए जा सकते हैं और बनते हैं तो अब यहाँ पर भी वही कार फरमा है कि जब भी आप किसी कलर पर क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली मजमु होता है इन तीन कलर्स का ठीक है जिनमें आर जी और बी है जैसा कि फर्ज करें कि मैं एक पे इस इस कलर पे मैंने क्लिक किया तो आप देखें यहां पे इस कलर पे जो आर की वैल्यू है वो 81 है जी की वैल्यू जो है टू थ्री टू है और बी बी की वैल्यू जो है वो फाइव है तो इसी तरह से आप यहाँ पर अगर फर्ज करें कि आपने कुछ सैंपल उठाने हो तो आप यहां से सैंपल्स उठा सकते हैं फर्ज करें कि एक सैपल में यह उठाता हूँ आप देखें जैसे ही मैंने सैंपल उठाया तो यहां पर वन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और सिक्स सिक्स और टू थर्टी और ट्वेल्व आ गया लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं इस जगह पर यहां पर सैंपल लिखा हुआ नजर आता है दूसरा सैंपल मैं उठाता हूँ इस, इस दरख्त का तो आप ये देखें कि जैसे दूसरा सैंपल मेरे पास यहां पर आ गया लेकिन इसकी वैल्यू भी आपके सामने थर्टी वन ट्वेंटी फोर और एट इसी तरह से मैं तीसरा जो सैंपल है वो उठा लेता हूँ यहां से इस कलर का तो आप ये देखें कि तीन सैंपल्स हो गए मेरे पास और चौथा भी मैंने ले लिया है अब इसके बाद पांचवा हम नहीं ले सकते चार सैंपल्स हम ले सकते हैं जिसमें एक आपके सामने ये है दूसरा ये है और तीसरा आपके सामने ये है और चौथा वो है और यहां पर भी आपको यहां पर वन टू थ्री और फोर अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जो जो सैम्पल्स आपने उठाए हैं उनकी वैल्यू ये वाली है अब फर्ज़ करें कि मैं सबसे पहले जो ऊपर की जो वैल्यू है इसको अप्लाई करके देखता हूँ जो हमारे पहले कलर की वैल्यू है जो यहाँ पर आपको नज़र आता है वो कलर में बनाना चाहता हूँ तो अब होता ये है कि जब आप यहाँ पर कलर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कलर बनाने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है जिसमें आपको आर की वैल्यू भी नज़र आती है ठीक है और उसके बाद आप ये देखेंगे उसमें जी और बी की वैल्यू अब हमारी जो यहाँ पे आ, आर की वैल्यू 66 है 230 है और 12 है तो अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ वैल्यू 66 आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है दूसरी 230 है और तीसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो 12 है तो अब आप ये देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे पहुँचा तो मेरा ये कलर सेलेक्ट हो चुका है कि मेरा ये कलर है और यहाँ आप नंबर वन पे देखें तो यहाँ पर भी ग्रीन सेलेक्ट है और यहाँ पर भी उसने ग्रीन सेलेक्ट किया ओके okay करें तो उसके बाद आप इस कलर को जिस जगह भी ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे तो ये वही वाला कलर अप्लाई होगा जो आपने यहाँ पर उसका कम्बिनेशन तैयार किया था तो इसी तरह से आप बी का कम्बिनेशन जब आप तैयार करते हैं तो जो आप जब इसकी वैल्यू बी की डालेंगे तो आपको ये वाला कलर मिलेगा जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो ये होता है हमारे कलर को के सैम्पल्स पिक करने का तरीका अब हम आते हैं अपने जो आखिरी जो मैयर टूल है उसकी तरफ आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और मैं बताता चलूँ आपको कि ये टूल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो एडो फोटोशॉप है जब आप इस पर काम करते हैं तो आपकी कंप्यूटर कम्पुर्ट, कंप्यूटर की कंप्यूटर की स्क्रीन या जो आपका लैपटॉप है उसकी स्क्रीन छोटी होती है लेकिन होता यह है कि बज़ दफ़ा जो आपके पास कस्टमर आता है वो आपसे आपको कहता है कि मुझे इतना बड़ा बैनर चाहिए जो कि 10 फुट लंबा हो 10 फुट चौड़ा हो और वो किसी मेन शाहरा पर उसको लगाना चाहता है तो आपने वो बैनर बड़ा बैनर जो बड़े बड़े बैनर आपको रोडों पर लगे हुए नजर आते हैं वो भी आप एडोप फोटोशाप में ही तैयार करते हैं तो होता यह है कि अब जब आपकी स्क्रीन यहाँ पर छोटी होती है तो उस वक्त क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आप पचास फुट का पैनर कितने या रख सकते हैं अगर कोई इंचज़ में आपको बताता है कि जो आपका जो मैया टूल है ये आपकी मदद करता है फर्स्ट करें जो मेरे पास इमेज मौजूद है इसी इमेज को मैं ऐसा करता हूँ आपके सामने कि यहाँ से मैं इसको नीचे तक लाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से जब ड्रैग करके मैं नीचे लाता हूँ तो आप ये देखें कि इसकी यहाँ पर आपको हाइट नज़र आएगी इस साइड पर आप देखें कि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपको इंचज़ में ये आपकी हाइट दिखाता है इंचज़ में ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पर वेट थी इसकी जो चौड़ाई है वो चूँकि मैंने नीचे ड्रॉप किया तो वो बहुत थोड़ी उसने माइनर्स में दिखाई है लेकिन जबकि इसकी हाइट मैंने चेक की है तो सेवन है यानी कि सात इंच है इसकी हाइट अब अगर फ़र्ज़ करो कि मैं इसकी चौड़ाई चेक करना चाहता हूँ तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ तक इसकी चौड़ाई जो है ना उसने इसकी विर्थ मुझे बता दी है कि वो सोलह है सोलह सोलह इंचेस इसकी विर्थ है तो इसी तरह से आप अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ टॉप से इसको लेना चाहें नीचे तक लेना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि ये यह यहाँ से टॉप से नीचे तक मैंने लिया है तो दोनों चीज़ें आपको बताएगा कि इसकी वेड्थ जो है उसने बता दी है आपको कि वो सोलह है और इसकी जो हाइट है सेवन पॉइंट नाइन है तो इस तरह से जो मेरे जो पॉइंट हैं जो मैंने इनिशियल पॉइंट और एंड तक का जो पॉइंट है उसको भी आप ले सकते हैं इसी तरह से कोई और चीज़ें आपके सामने होती हैं फ़र्ज़ करें आपके सामने कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक एक मशीन पड़ी है तो इसको अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ तक का फासला देखना चाहता हूँ तो आप ये देखें कि ये इसने आपको यहाँ से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पर इसने बता दिया कि ये 67 सेवन इंचज़ इसकी वेट है आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये यहाँ पर सिक्सटी इसकी जो वेट था और हाइट इसमें चूँकि वो टेढ़ा सा यहाँ पे दिखाया दे रहा था इसलिए इसकी हाइट भी हमें 2.5 इंचेस नज़र आ रही है तो 67 इंच का ये है जबकि यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको ये जूम होके छोटा सा दिखाई देता है तो इस तरह से आप जो है ना वो कोई भी आपकी जो है इमेज उसकी आप हाइट और वेट चेक कर सकते हैं फर्स्ट करें कि जब आपके पास कोई आता है आपको ऑर्डर देता है तो आपने यहाँ से सिलेक्शन करना होती है Osionfish. तो आपने यहाँ से एंचज़ को सेलेक्ट करना है तो जैसे आप यहाँ से एंचज़ को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप ये देखें कि एंचज़ को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर आप 50 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फिर 50 कर लिख देते हैं इनके 50 की हाइट और अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर तो आपको आप ये छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन हकीकत में जो है वो इसकी जो है वो फिफ्टी फिफ्टी जो है ना इसकी हाइट और वर्थ है आप ये देखें मैं ऐसे करके देखता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर हाइट इसकी जो है ना उसने फिफ्टी बता दी आपको ठीक उसके बाद जब मैं इसकी वर्थ को चेक करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पर उसने वो भी बता दिया कि वर्थ इसकी 50 है अगर आप यहाँ से इस कोने से लेके इसको नीचे तक देखें तो आपको मेरा थोड़ा सा जो है वो गलत हो रहा है बजबर ये देखें आप इसकी वर्थ भी फिफ्टी है और हाइट भी फिफ्टी फिफ्टी है तो इस तरह से अगर आप यहाँ से जब चेक करते हैं किसी चीज़ को तो ये इसकी लंबाई को यहाँ से यहाँ तक ले कर दिखाता है आपको और फिर इसकी जो जो चौ चौड़ाई जो, जो, है हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाता है ये डायरेक्ट सीधा जो वो होता है वहाँ तक लेता है और उसके बाद अगर आप इसकी इसका टोटल इस लाइन का डिस्टेंस देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आता है ये डिस्टेंस सेवेंटी के की जो लाइन है देखें अगर इसकी जो वे वे इस जो हमारा इमेज है उसकी जो वेथ है वो है 50 इंच और हाइट भी 50 इंच है लेकिन ये जो दरमियान से लाइन मैंने ड्रा की है उसका डिस्टेंस आप देखना चाहें तो वो 70 इंचेस है तो उम्मीद है आपको ये टूल समझने में आपको बहुत मदद मिली होगी इस ट्यूटोरियल से अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका वीडियो मुकम्मल देखने के लिए बस्मरिम्सम मैं हूँ रवान और डॉ फोटोशॉप में अब हम जिन टूल्स पर पहुँचे हैं उनमें है हैंड टूल और ज़ूम टूल और फिर उसके बाद हम जो स्क्रीन के मोड्स हैं उनके बारे में पड़ेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि हैंड टूल का इस्तेमाल और जूम टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले आते हैं अब यहाँ पर मैं जूम टूल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको जैसे ही मैं जूम पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि टॉप पर आपको यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शन यहाँ पर नजर आते हैं जिसमें आपको प्लस का निशान नजर आता है और माइनस का निशान नज़र आता है तो आप यहाँ पर देखें जैसे प्लस पर आप क्लिक करते हैं तो जूम इन होता है और जब माइनस पर क्लिक करते हैं तो जूम आउट होता है जूम इन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को बड़ा करते हैं चीज़ आपको करीब करीब आती हुई दिखाई देती है और जूम आउट का मतलब ये होता है कि आपकी चीज़ जो है वो दूर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको होता हुआ दिखाई देता है जैसे कि आप अक्सर टी में सीरियल्स में और वीडियोस में आपको देखने को मिलता है तो अब जब मैं मैंने यहाँ किया तो प्लस के निशान पर तो आप यहाँ पे देखें कि ये जूम इन होता जा रहा है तो जैसे जैसे ये जूम इन होता जा रहा है तो ये मेरे करीब आ जाता है जब माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये ज़ूम आउट होता है आप ये देखते जाएँ जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट होता जा रहा है और ये छोटा होता हुआ जा रहा है तो इस तरह से हम जूम इन और ज़ूम आउट करते हैं तो अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और जब इसको मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ जब चूँकि मैंने एडिटिंग करनी होती है इसमें तो अब होता ये है कि आपने उसके बाद आप यहाँ पर हैंड के टूल पर जाते हैं तो हैंड के टूल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप होता यह है कि आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं जब आपने इसकी सिलेक्शन लेनी है या कोई और इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो आप इस पर इस हैंड के टूल की मदद से आप इसको घुमा सकते हैं तो आपने देखा कि जूम का टूल भी आपने इस्तेमाल करके देख लिया और हैंड का टूल भी उसका इस्तेमाल भी आपने देख लिया है अब हमारे जो टूल्स बाकी बचे हैं वो बचे हैं इनमें है जो आपके स्क्रीन के जो मोड हैं वो हैं वो आप ये देखें कि यहाँ पर जब आप इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो आपको लिखा हुआ नजर आता है स्टैंडर्ड स्क्रीन का जो मोड है उसके साथ आप ये देखें तो दूसरा है फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार यानी कि इस पे आपको मेन्यू बार भी इसमें मिलती है मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ और यहाँ पे जो है ना वो फुल स्क्रीन मोड है लेकिन इसमें मेन्यू बार नहीं होती तो आ, अब ऐसा है कि मैं फ़र्ज करें कि मैं आपके सामने ऐसा करता हूँ कि इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ और उसके बाद यह है कि मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ फ़ाइल्स लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे आप ये देखें कुछ नई फ़ाइल्स मेरे पास आ गई हैं अब मैंने काम सिर्फ़ एक फ़ाइल पे करना है फ़र्ज़ करें कि मैं इस फ़ाइल पे काम करना चाह रहा हूँ तो दीर फाइल्स मेरी यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये मेरा होता है स्टैंडर्ड मोड अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा आम स्टैंडर्ड जो मोड है उस मोड में हम काम करते हैं तो आपको सारी फाइल जिस तरह से नजर आती हैं लेकिन चूंकि ये फाइल्स हमें नहीं चाहिए होती बैक वाली तो हम एक फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उसी पर बाकियों को हाइड करना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो सिर्फ़ एक वो फाइल हमारे सामने नज़र आती है हमें जिस पर हमने काम करना होता है बाकी सारी फाइल्स जो है वो हाइड हो जाती हैं तो अगर हमें दोबारा लेनी हो तो हम दोबारा स्टैंडर्ड मोड पर चले जाते हैं तो पिछली फाइल्स भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है यहां पे देखें अब मैंने ये फाइल सेलेक्ट की है तो अब मैं जब इस पर काम करूंगा तो ये आपको सिर्फ एक ही फाइल नजर आएगी दूसरी नजर नहीं आएगी लेकिन इसका ये फायदा है कि इसमें ऊपर मेन्यू बार भी आपको नजर आता है लेकिन इसके बाद अगर फर्ज करें कि आप इस फुल स्क्रीन मोड पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देखें कि यहां पर आपको मेन्यू बार यहां पर आपका उड़ जाता है लेकिन आपकी फाइल यहां पर महफूज रहती है और एक और इफेक्ट आप जो देख रहे हैं वो होता है ब्लैक जो इसका बैकग्राउंड आपको नजर आता है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना लेकिन यह कि अगर आप इन मोड्स में अगर काम करना चाहें तो आप इसमें काम कर सकते हैं ज़्यादातर स्टैंडर्ड मोड में ही लोग काम करते हैं जो फाइल आप ने सेलेक्ट करना होती है वो टॉप पर होती है उसमें आप काम कर सकते हैं तो इस तरह से हमने इस ट्यूटोरियल में कवर किया अपना जो हैंड टूल है इसको भी कवर किया जूम इन जूम आउट करके देखा फिर उसके बाद हमने अपने स्क्रीन के जो मोड्स हैं उन्हें भी हमने करके देखा इसमें स्टैंडर्ड मोड है और फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार है और उसके बाद जो है ना फुल स्क्रीन मोड है विदाउट menu bar. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए ब्रश को फेरा था तो वो एरिया इसने यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर दिया है तो अब होता ये है कि यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि मैं इस सिलेक्टेड एरिया में जो चाहूँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो कलर को भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई पैटर्न फिल कर सकता हूँ तो ये जो सिलेक्ट सिलेक्शन है मेरी इसको मैं उठा के किसी दूसरी जगह पर भी ले जा सकता हूँ तो मैं जितने भी टूल्स आपने पहले सीखे हैं उनमें से जो टूल आप चाहे यहां पे उसकी मदद से यहां आप उसको अप्लाई करके जो सिलेक्शन में आप किया करते थे वो कर सकते हैं लेकिन यहां काम करता हूं कि यहां पे मेडिट में जाता हूं और फिर यहां कोई पैटर्न फिल कर देता हूं फिल करता हूँ मैं और पैटर्न मेरे पास बहुत से हैं उनमें से एक ये पैटर्न है मेरे पास मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और आप ही देखें कि जैसे ही मैंने पैटर्न को सिलेक्ट किया तो ये जो आ, एक खातून है जो आ, आप देख रहे हैं वो इस इस मून के अंदर डिस्प्ले हो चुकी है कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन खत्म करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मून का भी कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है है और उसके अंदर एक फोटो भी आपको दिखाई दे रही है और एक और बात आपको बताता चलूं जैसे ही आप यहां पर तो रेड कलर भी है ग्रीन भी है ब्लू भी है तो उसके साथ साथ जो क्विक क्विक मास्क का जो ऑप्शन है वो भी आपके पास यहां पे मौजूद हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जब हम सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो उसके एक अपना एक कलर होता है तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल हम करके देखते हैं कि मैं फिर आपको करके दिखा देता हूं कि जब आपने किसी चीज की सिलेक्शन लेना होती है तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं यहां से आपने दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं मार्क्ड एरिया को अगर आपने सेलेक्ट किया तो जहां पर आप अपना ब्रश फेरेंगे वो एरिया को छोड़ के बाकी एरिया सेलेक्ट हो जाएगा अगर आपने सेलेक्टेड एरिया को सेलेक्ट किया तो फिर वही एरिया सेलेक्ट होगा जिस पर आपने मार्कर को फेरा होगा ओके कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो है वो देखते हैं ये देखें जिस तरह से मैं अभी इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ तो आप इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं तो अब जब आपका ये ये जो आपको रेड कलर जो आ, नज़र आ रहा है हाफ टाइप में तो इसकी जब ये मुकम्मल हो जाए आपकी सिलेक्शन तो उसके बाद आपने फिर इस पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो एरिया है ये सिलेक्ट हो जाता है अगर आप चाहें तो इसका इनवर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके था तो इनवर्स पर जाते हैं अब इनवर्स में ये होता है कि अब इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है अब मैं जहाँ पर बैकग्राउंड में फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर मैं कोई इसका दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो आप जैसे ही मैं डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो आपने ये देखा कि इसने इसका जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और ये जो फ़ोटो आपको नज़र आ रही है उसको भी इसने थोड़ा थोड़ा आ, वो, वो बैकग्राउंड का कलर दिया है तो इस तरह से के इफ़ेक्ट्स अगर आप देना चाहें तो आप क्विक मास्क जो मोड है उसमें आप कर सकते हैं तो एडिट इन स्टैंडर्ड मोड और ये दूसरा आपका होता है एडिट इन क्विक क्विक मास्क मोड तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका बसमिल मैं हूँ और एडोब फोटोशॉप में अब हमारा आखिरी टूल है और इस टूल को कहते हैं इमेज रेडी आपने आ, कई बार देखा होगा वेबसाइट्स में जब आप विज़िट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको कुछ वर्ड्स आपको ब्लिंक करते हुए नज़र आते हैं कभी कई बार आपको तस्वीरें चेंज होती हुई नजर आ रही होती हैं तो वो बार बार एक ख़ास वकफ़े के बाद आपको वही फ़ोटोज़ आपको दोबारा नज़र आते हैं कोई वर्ड्स होते हैं उनको वो ब्लिंक होते हुए नज़र आ रहे होते हैं तो वो उस वो जो काम होता है वो होता है इमेज रेडी के इस टूल में तो आज हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं और इसमें हम कुछ ऐसी एक छोटी सा एक काम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ये इफेक्ट दे पाएं तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक बैंक फाइल ले लेते हैं और इसको मैं यहां पर रख लेता हूं अब फर्ज करें कि हमने एक बैनर बनाना है जिसमें हम कहते हैं वीक एंड ऑफर वीक एंड ऑफर अब हमने एक वीक एंड ऑफर दे दी है अब हम यहां पर यह देखें कि ये हमारी एक लेयर है अब आपने आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि जिन वर्ड्स को आपने मूव करवाना है वो द, दीगर लेयर्स पर होने चाहिए एक ही लेयर पर नहीं होना चाहिए अब एक लेयर मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है अब मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी लेयर लेता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट और उसके बाद मैं तीसरी लेयर लेता हूँ अब देखते हैं जैसे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक लेयर खुद बहुत क्रिएट हो जाती है यहाँ पे आप में फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बाय वन गेट वन फ्री यानी कि ये हमने एक ऑफर दे दी है तो अब इनके कलर्स अगर आप चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं इनमें कोई ड्राप डाउन शेडो देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं तो मैं चूँकि सिंपल काम कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पर मजीद ज़्यादा नहीं करता कुछ मैं बस इसमें कुछ थोड़े से इफेक्ट्स देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी उसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पर आप ये देखें इसका कलर नीचे है वो चेंज हो गया है तो मैं इसको ब्लैक कलर दे दिया यहाँ पर और उसके बाद ओके कर देता हूँ और जो फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट है इसको मैं कोई कलर देता हूँ आपके सामने इस इस तरह का जैसा कि कोई येलो टाइप या इस तरह का को, कोई कोई सा भी कलर हम उसको दे देते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये कलर हम दे देते हैं उसके बाद ऊपर का जो कलर है वो एज़ इट इज़ ही ठीक है और उसमें जो है वो उसको भी कुछ इफ़ेक्ट्स हम दे देते हैं अगर हमें यहाँ पर नज़र आता है तो अभी देखें जिससे मैं आई को क्लो, क्लोज़ करता हूँ तो आपको वहाँ पर कुछ इफेक्ट्स होते हुए नज़र आते हैं तो यही इफ़ेक्ट आपने आगे देने होते हैं तो अभी देखें ये जो ये जो मेरी लेयर है इस पर जो है इस पर मैं कुछ ऐसे और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देख लेता हूँ मैं स्ट्रोक कर डाल देता हूँ इसमें और फिर स्ट्रोक का जो इफेक्ट है वो आप भी देख लेंगे कि इस तरह से है ठीक हो गया तो अब ये मेरे पास एक बैनर बन चुका है अब मैं इस बैनर के ये जो तीन लाइनें हैं इनको अलग, अलग अलग ब्लिंक करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा आप यहाँ पे देख लें यहाँ पे जो है ये ये जंप टू इमेज रेडी में हमने जाना होता है जंप टू इमेज रेडी की जो जो आइकन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब हमारे सामने एक नया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है बल्कि सॉफ्टवेयर तो यही है लेकिन इसके अंदर जो एक इजाफी टूल है ज रेडी का वो हमारे पास ओपन हो जाता है तो जैसे ही आपके पास सामने ये ओपन होता है तो आप ये देखें आपका जो बैनर है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपके सामने जो है वो एनिमेशंस यहाँ पे आप शो करवाएंगे जो एनिमेशंस है वो एनिमेशन की जो आ, जो पैलेट है वो आप यहाँ देख सकते हैं बाकी जो लेयर्स और बाकी जितने भी पैलेट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे साइडों पे नजर आते हैं यहाँ से भी आप इन पे चाहें तो इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं तो अब ऐसा है कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पहुँच आया हूँ मैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो आपने ऐसा करना है कि इसकी मुख्तलिफ़ लेयर्स क्रिएट करनी है फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पर तीन लाइनें हैं तो मैं इसकी चार लेयर्स क्रिएट करता हूँ ये देखें इस आइकन पर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डुप्लिकेट लेर क्रिएट हो जाती है मैंने चार लेयर्स क्रिएट कर ली हैं तो अब क्या करना है मैंने कि अब ऐसा होगा कि जब मैं लेयर्स पे आ जाता हूँ तो इसकी जो सबसे पहली लेयर है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया आपने देख लिया कि इसकी पहली लेयर सेलेक्ट हो चुकी है अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें मैं इसकी आईज़ को क्लोज़ करता हूँ अब देखें एक आई को क्लोज़ किया मैंने दूसरी आई को भी मैंने क्लोज़ कर दिया तो अब हुआ क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो पहली बार जो लेयर मेरे सामने आए उसमें सिर्फ वीकेंड ऑफर लिखा हुआ होना चाहिए अब दूसरी लेयर पर हम आते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो दूसरी लेयर्स है, है उसमें मैं जो जस्ट ऐसा है कि बाय वन गेट वन को मैं ऑफ कर देता हूँ इस आई को ताकि सिर्फ फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट लिखा हुआ नजर आए और जो तीसरी लेयर मेरे पास मौजूद है उसमें मैं ये चाहता हूँ कि तीनों चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले होनी चाहिए तो इस तरह से हमने तीनों डिस्प्ले कर दी अब जो हमारे पास चौथी लेयर है मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही ग़ायब हो जाए और यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ नीचे आप आ जाएं तो आप को नज़र आएगा यहाँ पर सेकेंड ज़ीरो सेकेंड ज़ीरो सेकेंड और ज़ीरो सेकेंड है लेकिन हमने यहाँ पर कुछ सेकेंड्स देने हैं तो फ़र्ज़ करें कि हम फाइव पॉइंट फ़ाइव सेकेंड देते हैं यानी कि आधा सेकेंड दे देते हैं इसको भी हम आधा सेकेंड देते हैं और इसे भी टाइम आप जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं तो यहाँ पर भी मैं पॉइंट फाइव सेकेंड्स उसको दे देता हूं अब यहां पर मैं जरा इसको अप्लाई करके दिखाता हूं यहां नजर आएगा जब हम इसको आ, सेव करेंगे तो अब आपने क्या करना है कि जब इस तरह से आपका इमेज बन जाए तो आपने यहां पे जाना है फाइल में और फाइल में जाके आपने जस्ट सेव नहीं करना बल्कि सेव ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करना है सेव ऑप्टिमाइज़ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पे जो नाम देंगे फर्ज करें कि ओ पी ई एन ओपन का नाम दे देता हूँ मैं ओपन ओपन टू का नाम दे देता हूँ लेकिन यहाँ पे आप ये ख्याल रहे कि आपका जिफ़ इमेज सेव होना चाहिए और सेव कर दें डेस्कटॉप पर तो अब आप क्या करेंगे कि डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि डेस्कटॉप आप पर आपका ओपन के नाम से ये फ़ाइल मौजूद है अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं इसे तो वो जो आ, हमने एक इमेज तैयार किया है जिसमें वीकेंड ऑफ़र हम दे रहे हैं वो भी ओपन हो रहा है और फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट हम दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री अब इसका जो टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया है वो उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं तो आ, इस तरह से हम आ, ये हमारा जो जो टूल था डॉ फोटोशॉप में उसमें हमने ये काम करके देखा इसमें से हम ये होता है कि इमेज रेडी का ये जो आखिरी हमारा जो टूल था इस पर हमने काम करके देखा बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बहुत शुक्रिया आपका